हेलो बच्चों, कैसे हो सब। डीसीएम टेस्ट सीरीज के फर्स्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम। इस पार्ट के अंदर हमने फिजिक्स में यूनिट मेजरमेंट वेक्टर वन डी मोशन को कवर अप किया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम हैज बेसिक डायमेंशंस एज डेंसिटी कैपिटल डी, वेलोसिटी वी एंड एरिया ए। द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज, हिंदी में है, यदि किसी निकाय की मूलभूत विमीय राशि घनत्व डी, वेग वी तथा क्षेत्रफल ए है तो बल का विमीय सूत्र होगा। मतलब फोर्स को हमें डी, वी और ए की टर्म्स में लिखना है। तो इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है वो देखते हैं अपन। देखो, फोर्स को आपको एरिया, वेलोसिटी और डी की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको ऐसे इस वे में लिख देंगे। अब इनकी पावर क्या है वो मालूम नहीं है हमें, ठीक है। तो इनकी पावर्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू होता है, ठीक है। इस तरफ है ए, एरिया, एरिया का होता है एल टू, तो एल की पावर टू एंड देन पावर एक्स है, देन एल की पावर टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी वी, वी को लिखते हैं अपन एल वन टी माइनस वन, पावर वाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल की पावर वाई टी की पावर माइनस वाई। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं एम वन एल की पावर माइनस थ्री और पावर में जेड है तो एम की पावर जेड एल की पावर माइनस थ्री जेड, ठीक है। देन एम वन एल वन टी माइनस टू इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम को लिख देते हैं यहाँ पर एम की पावर जेड, नेक्स्ट टर्न है एल का, एल की पावर टू एक्स देन वाई देन माइनस थ्री जेड है तो मैं लिख सकता हूँ एल की पावर टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट टर्न है टी का, तो टी की पावर माइनस वाई आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करोगे तो एम की पावर जेड है इधर, एम की पावर वन है तो जेड इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। देन सबसे पहले टी वाले को देखते हैं अपन, टी की पावर माइनस वाई है देन टी की पावर माइनस टू है तो माइनस वाई माइनस टू के इक्वल है, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू टू आ गया, ठीक है। अब एल की पावर वाले को ही कंपेयर कर लेते हैं, तो 2x, l की पावर यहाँ पर कितना है 2x प्लस y माइनस 3z है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो तो l की पावर 1 है, ठीक है। अब z की पावर वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू इसमें रख देते हैं अपन, तो 2x प्लस y की वैल्यू 2 है माइनस 3 और z की वैल्यू 1 है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इस तरफ, 2x बराबर 2 देन x बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है तो मतलब ये जो रिलेशन हमने लिखा है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे वापस, तो a की पावर 1 आ गया v, y की वैल्यू 2 है तो v की पावर 2 देन d एंड z की वैल्यू भी 1 है तो d की पावर 1, देन आंसर इज a1 v2 d1, मतलब a v स्क्वायर d, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट सिग्मा इज, स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक क्या है। अब आप यूनिट इजिली बता सकते हो अगर आपको इसके इसका जो मेन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर आपको आता हो तो। देखो, पावर जो होती है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा ए टी की पावर फोर के इक्वल होता है। ये पावर है डी क्यू बाई डी टी, ओके। इसको आप वोट लिख सकते हो यूनिट के अंदर। सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट है, ए एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर, और टी टेम्परेचर है मतलब के की पावर फोर, केल्विन की पावर फोर। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी वोट अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन के की पावर फोर। इसको अपन चेक कर लेते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू सी अपॉन आर की पावर टू और इनटू में ई की पावर माइनस के आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर सेंटर, द डायमेंशंस ऑफ सी एंड के आर, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, किसी नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये फोर्स का रिलेशन है, जहां आर नाभिक के केंद्र से दूरी है तो सी तथा के का विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखो, इस तरफ है फोर्स, यहां सी अपॉन आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के आर, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है, ई टू द पावर एक्सपोनेंट जो भी है ना पूरा डायमेंशनलेस होता है, तो ये वाला पूरा डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उसकी जो भी यूनिट होगी या जो भी डायमेंशन होगी सेम डायमेंशन राइट हैंड साइड वाले की होगी, सेम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के लिए। इसका मतलब एफ जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो एम वन एल वन टी माइनस टू होता है
वो एग्जैक्टली सी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आर लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोले तो एल, और एल की पावर टू है तो एल की पावर टू आ गया यहाँ पर। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी तो एल स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एल की पावर वन और एल की पावर टू कितना हो जाएगा, एल की पावर थ्री हो जाएगा। तो सी की जो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा एम वन एल थ्री टी माइनस टू। तो एम वन एल थ्री टी माइनस टू एक तो इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, एक इस वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखो ये पूरा जो है ना ई टू द पावर माइनस के आर, ये पूरा डायमेंशनलेस होता है, एंड इवन ये जो पावर है ना ये पावर भी डायमेंशनलेस होती है, तो के आर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशनलेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो सबकी पावर जीरो, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो डायमेंशनलेस इसका मतलब वैल्यू वन है उसकी, ठीक है। तो फिर के जो है ना के जो आ जाएगा हमारे पास वन बाय आर, आर होता है लेंथ सिंपल, तो एल हो जाएगा वन बाय एल, या इसको आप सिंपली लिख सकते हो एल की पावर माइनस वन। तो के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर थीटा वन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये अनसर्टेनिटी दी हुई है, या आप कह सकते हो ये एरर है इसके अंदर। एंड थीटा टू इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी इसके अंदर अनसर्टेनिटी दे रखी है आपको। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। वस्तुओं का तापमान आपको दे रखा है दोनों का, तो तापांतर ज्ञात करना है आपको, मतलब थीटा टू माइनस थीटा वन ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक तो जो इनकी मेन वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें डिफरेंस लिख दो, तो 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा 30। अब मेन चीज है इसके अंदर भी तो एरर आएगा, है ना, ये भी तो कॉम्बिनेशन है एरर्स का। तो अगर आपको एक क्वांटिटी दे रखी है ए, एक दूसरी क्वांटिटी दे रखी है बी, और उनके अंदर अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर जो जो अनसर्टेनिटी आती है, जो एरर आता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए, वो सिंपली डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू के इक्वल होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, ये हमेशा ध्यान रखें, वो वैल्यू मैक्सिमम, हम हमेशा एरर जो है ना वो मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, है ना, मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू। तो डेल्टा थीटा वन यहाँ पर कितना 1.5 है, और डेल्टा थीटा टू कितना 0.5 है, तो 1.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 30 प्लस माइनस 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर यूनिट लगा देना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल सर्टनली हैव एन एक्सेलरेशन इफ दीज आर, किसी वस्तु पर तीन बल कार्यरत हैं तो वस्तु निश्चित रूप से त्वरित होगी यदि बल इस प्रकार हों। तो अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जो है ना वो जीरो नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब ये थ्री फोर्सेस का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, 7, 8, 14, 10, 4, 12, 3, 15, 8, 2, 6, 7, ठीक है। तो जैसे थ्री फोर्सेस हैं ए बी एंड सी, अगर तीनों का रिजल्टेंट अगर जीरो है ना, मतलब जीरो पॉसिबल है, अगर जीरो हो सकता है, तो उस केस में सी जो है ना वो सी ए माइनस बी का मॉडुलस के इक्वल या उससे ग्रेटर, या ए प्लस बी के मॉडुलस ए प्लस बी के इक्वल या उससे लेस होगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन को ये चेक करना है, ठीक है ना, चेक करना है इसमें कि ये कौन सा जो कॉम्बिनेशन है उसको सेट कर पाएगा। कॉम्बिनेशन देखते हैं, चलो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 7, 8, 14। तो ए को आप 7 कंसीडर कर लो, बी को आप 8 कंसीडर कर लो। 7 और 8 का सब्ट्रैक्शन देखें तो 1 आएगा, और 7 और 8 का एडिशन अगर अपन देखें तो 15 आएगा, और 14 जो है वो 1 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है, कंफर्म जीरो पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10, 4, 12 है, 10 और 4 का सब्ट्रैक्शन 6 आएगा, और 10 और 4 का एडिशन 14 आएगा, और नेक्स्ट फोर्स क्या 12 है, तो 12 डेफिनेटली 6 और 14 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। थर्ड देखो 3, 15, 8, 3 और 15 का एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 12 आएगा, और एडिशन देखें तो 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है, और 8 न्यूटन जो है वो 12 और 18 के बीच में लाई नहीं करता, इस रेंज से बाहर है, इसका मतलब इस थर्ड वाले कॉम्बिनेशन के लिए पक्का कह सकते हैं कि नेट फोर्स डेफिनेटली जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो पार्टिकल डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो बाकी वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, वैसे चेक कर सकते हो 6 and 2, 8, और डिफरेंस आ गया 4, और 7 दे रखा है, तो 7, 4 एंड 8 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका भी रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट जीरो किसका पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है टी की टर्म्स में, एस बीइंग इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकंड,
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, किसी बिंदु का विस्थापन आपको दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है आपको टी के टर्म्स में, एस सेंटीमीटर में और टी सेकंड में हो तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, किसी इंस्टेंट पर डीएस बाई डी टी करके, डिफरेंशिएट करके, बहुत कॉमन सी चीज है ये। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ए टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 16t प्लस 3t का जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा 0। तो ये वेलोसिटी आ गई किसी भी इंस्टेंट टी पर, और हमें अगर इसको टी बराबर जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल का मतलब टी बराबर जीरो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको टी बराबर जीरो रखना पड़ेगा, रखोगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3 बचेगा, और यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन ए बी, इफ यू एंड वी आर द वेलोसिटीज एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली देन इट्स वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट सी विल बी। हिंदी में देख लेते हैं, एक कण रेखा ए बी के अनुदिश ए से बी की ओर एक नियत त्वरण से गति करता है, यदि ए तथा बी पर कण के वेग क्रमशः यू तथा वी हैं, तब मध्य बिंदु सी पर कण का वेग क्या होगा। तो एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये मिड पॉइंट है सी। ठीक है, और ये डिस्टेंस सपोज ये वाली एल है और ये वाली भी एल मैंने कंसिडर कर दी। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया सी, यहां पर जब पार्टिकल था तो उसके पास वेलोसिटी थी यू, और जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो उसके पास वेलोसिटी होगी वी, और मिड पॉइंट पे लेट कर लेते हैं अपने वेलोसिटी कितनी है वी डैश है, तो हमें वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन है ना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ए से बी तक के लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं, वो भी थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैं ए कंसीडर कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो लगाइए, चलो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ओके 2a, देखो v फाइनल है, u इनिशियल है, प्लस 2a, a b इसी तरफ है तो पॉजिटिव है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया a से b के लिए 2l, तो यहां पे 2l मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन मैंने लगा दी a से b के लिए। अब a से c के लिए लगाता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी यहां पर v डैश होगी, तो इक्वेशन अगेन वही लगा लेता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन v यहां पर v डैश है, v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u ही थी, तो u स्क्वायर प्लस 2a, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया l ना, तो l रख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ये 4al है, ये 2al है, इनको या तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसको भी 2 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये 4al और ये भी 4al, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाली को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2u² माइनस u² बचेगा, इधर की तरफ माइनस p² ये इस तरफ आ जाएगा, तो u² प्लस v² इक्वल्स टू 2v², देन v² इक्वल्स टू u² प्लस v² बाई 2, देन v' इक्वल्स टू u² प्लस v² बाई 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ट्रैवल्स 5/9 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ फॉल। हाइट ऑफ द टावर इज, यदि एक पत्थर एक ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाता है तथा यह अपने अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का 5/9 भाग तय करता हो तो बिल्डिंग की कुल ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही फेमस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने स्टोन को ड्रॉप किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट में एच कंसीडर कर लेता हूँ, ग्रेविटी जी है और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़े। ठीक है, और मान लेते हैं कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उसको जो टाइम लगता है टोटल टाइम दैट इज एन, एन टाइम बाद में वो स्ट्राइक कर जाता है, तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊं तो n के लिए एक सेकेंड इक्वेशन तो सिंपल सी बनी जाएगी, h हाइट हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, इसके u तो जीरो है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और t आ जाएगा यहां पर n, तो n स्क्वायर हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये कह रहे जो लास्ट सेकेंड है उसमें ये टोटल हाइट का 5/9 ट्रेवल करता है, टोटल हाइट अगर मैंने h ट्रेवल किया तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपको फॉर्मूला मालूम होगा, snth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो अगर nth सेकंड में हाइट ये 5/9 ऑफ h ट्रेवल कर रहा है तो मैं 5h/9 यहां लिख दूंगा, इज इक्वल टू u तो 0 ही था प्लस a बाई 2, a तो g है ना, g बाई 2 इंटू 2n-1, क्योंकि लास्ट जो सेकंड है वो n लिया है ना मैंने, तो यहाँ 2n-1 आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो h की वैल्यू जो g बाई 2 n स्क्वायर वो वहां रख देता हूं मैं, तो 5/9
जी एन स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई टू, ठीक है, ये जी एन स्क्वायर बाई टू भी है, जी बाई टू टू एन माइनस वन, तो जी बाई टू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, नाइन से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फाइव एन स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया 18n माइनस नाइन, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर बना लेते हैं, चलो 5n स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ये आ जाएगा माइनस का 15n माइनस का 3n, ठीक है, और प्लस का 9 इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 5n, इस तरफ आ जाएगा n माइनस 3, इसमें माइनस 1 n माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 5n माइनस 1 इंटू में n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो एक तो n की वैल्यू यहां पर आ गई 1 बाई 5, ठीक है, और एक n की वैल्यू आ गई 3, 1 बाई 5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर नंबर तो होना ही चाहिए ना, कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में या थर्ड में या फिफ्थ में जो भी है, मतलब एक से तो लेस पॉसिबल ही नहीं है, जो थर्ड है, तीन जो सेकंड है, मतलब n की वैल्यू जो 3 आई है, ये पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ रखूंगा इसमें, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, और h की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 1 बाई 2, और g की वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे 10 रख दो, और n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, इसे कट करो 5, 5 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 45 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, If root 3 mod of a cross b equals to a dot b, then the value of mod of a vector plus b vector is, यदि root 3 mod of a cross b अगर a dot b के बराबर है, तब a mod of a vector plus b vector का मान क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, mod of a vector plus b vector मतलब मैग्नीट्यूड है ना रिजल्टेंट का, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ये, तो रिजल्टेंट का अंडर रूट में a square plus b square plus 2ab cos थीटा, और थीटा किसके बीच में एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के, थीटा हमको दे नहीं रखा है, लेकिन थीटा यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, यहां पे देखो जरा, रूट थ्री ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन मॉडुलस में बात करें तो केवल ए बी साइन थीटा आएगा, और इस तरफ देखें तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, केवल ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा ले जाइए तो ये टेन थीटा आ गया, और रूट थ्री को यहाँ डिवाइड में ले जाइए तो वन बाई रूट थ्री, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, किसके लिए होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए, सॉरी 30 डिग्री के लिए, तो थीटा 30 आ गया, थीटा 30 यहाँ पे रख दीजिए, तो cos 30 होता है रूट थ्री बाई टू, है ना, रूट थ्री बाई टू, तो ये रूट थ्री बाई टू हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट थ्री ए बी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन ई इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर इज द एनर्जी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। आपको संबंध दे रखा है ई का, बी का, एक्स का, ए का और टी का, आपको ए इंटू बी की विमाय लिखनी है, जहां ई ऊर्जा, एक्स विस्थापन था, टी समय, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, ई बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी, ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये हमें मालूम होना चाहिए कि सेम जो डायमेंशन वाली जो क्वांटिटीज होती हैं, उन्हीं को ही आप ऐड कर सकते हो, उन्हीं को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड करना है, तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का खास तौर पे ध्यान रखना है अपन को। तो ये b माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप गौर से देखें तो x तो डिस्प्लेसमेंट है, और b में से ये एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब b की डायमेंशन एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब l, l है, तो l की पावर 2, तो मतलब b की डायमेंशन क्या आ गई, l स्क्वायर, सिंपल है ना। अब हमें a की डायमेंशन पता करनी है, अब ये देखो e जो है एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं, m1 l2 t माइनस 2 होता है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, l स्क्वायर है, ये है ना, ये पूरा l स्क्वायर है, इसको l स्क्वायर लिख दिया, और यहां पर a है और t यहां पे टाइम है, टाइम मतलब बोले तो t है, तो a को मैं इस तरफ ले जाता हूं, और इसमें l स्क्वायर, देखो l स्क्वायर कट गया, ए को इधर ले जाओ, तो यहां से ए इज इक्वल टू, और ये वाली क्वांटिटी इधर लाओगे तो पावर नेगेटिव कर दो, तो एम माइनस वन टी की पावर टू, है ना, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और डिवाइड में टी भी है, देखो एक है ना, ये टी भी बैठा है पहले से, तो टी भी है, और एम माइनस वन टी की पावर टू हो गया, तो ये टी से एक टी कट गया, तो ये टी की पावर वन बचा, और एल यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब एम माइनस वन एल जीरो टी की पावर वन आ गया, ये ए की डायमेंशन है और ये बी की डायमेंशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एम माइनस वन एल की पावर जीरो और एल की पावर टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, और टी की पावर वन, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए इंटू बी का, ए इंटू बी का फॉर्मूला आ गया, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, एम माइनस वन एल टू टी वन आ जाएगा, एम माइनस वन एल टू टी वन, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, The velocity versus time graph of a linear motion is shown in the figure. The distance from the origin after 8 seconds is. आपको distance बतानी है 8 second पर, ठीक है? हिंदी में आप पढ़ सकते हो, रेखीय गति के लिए आपको वेग समय वक्र दिया गया है, 8 second तक कण द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। देखो बेटा, velocity time graph जो दिया हो अपन को, उसका जो एरिया होता है ना, वो बताता है displacement को। लेकिन एरिया का हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला एरिया सपोज कुछ भी आया है, ए वन आया है, और ये वाला एरिया ए टू है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ए वन माइनस ए टू, और डिस्टेंस अगर पूछे तो ए वन प्लस ए टू ऐड कर देना है अपन को, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है अपन से, तो आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, डिस्टेंस पूछे तो दोनों एरिया को सम कर दो बस, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है? तो एरिया निकालना बस, और कुछ नहीं करना बेटा इसके अंदर। तो यहाँ पे एरिया देखो आप, ये सिंपल सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया कितना आ जाएगा, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू इंटू बेस, बेस वन है और हाइट कितना है फोर, तो वन बाई टू इंटू वन इंटू फोर, तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा ना, ठीक है? ये टू वैल्यू आ गई, वन बाई टू इंटू वन इंटू फोर, टू आ गया। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इस रेक्टेंगल का एरिया देखो, तो थ्री माइनस वन ये टू हो गया, और ये विड्थ कितनी आ गई, फोर, ठीक है? तो ये टू, ये फोर, फोर इंटू टू कितना आ गया, एट, ये पूरा एरिया एट आ गया। नेक्स्ट इसको देखो, तो ये फोर माइनस थ्री वन आ गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा वन बाई टू इंटू वन इंटू फोर, तो अगेन इसका एरिया कितना आया, टू आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे चलो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, 1 बाई टू इंटू बेस कितना है 1, और हाइट यहाँ पर 2 है, ठीक है? तो 1 बाई टू इंटू 1 इंटू 2 मतलब कितना आएगा एरिया, 1 आएगा इसका, इसका एरिया देखो कंप्लीट, ये भी राइट एंगल बन रहा है, तो ये विड्थ कितनी आई, 7 माइनस 5 2, और ये भी कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ये एरिया, और इस वाले का भी क्या आएगा, एरिया 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो देखो सिंपली ऐड करना है आपको, तो ये 8 एंड 2 10 प्लस 2 12 हो गया ये, तो और यहाँ देखो 4 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना आ गया, 6 आ गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, डिस्टेंस पूछा है तो आपको ऐड करना है, तो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 18, तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड, वट विल बी वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन इन दिस न्यू सिस्टम, ठीक है? नई पद्धति में आपको द्रव्यमान की इकाई अल्फा केजी, लंबाई की इकाई बीटा मीटर तथा समय की इकाई गामा सेकंड है, तो इस नई पद्धति में 5 न्यूटन का मान क्या होगा, ठीक है? मतलब लेंथ जो है ना, जो मास है, सबसे पहले तो मास की यूनिट को मैंने लिख दिया एम, या मास ही लिख देते हैं चलो, वन मास जो है वो अल्फा केजी के इक्वल है, ठीक है? नई यूनिट है ये, लेंथ के लिए मैंने लेंथ लिख दिया इसको, और वन लेंथ जो है वो बीटा मीटर के इक्वल है, और नया वाला जो टाइम है वो गामा सेकंड के इक्वल है, ठीक है? ये लिख दिया मैंने। अब 5 न्यूटन को लिख रहा हूं, 5 न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में, तो 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 5 न्यूटन हुआ। अब ये 1 केजी है, 1 केजी आ जाएगा मास अपॉन में अल्फा, तो मास अपॉन में अल्फा, 1 केजी इक्वल्स टू मास अपॉन में अल्फा, अल्फा डिवाइड कर दोगे, ये 1 मीटर है, 1 मीटर आ जाएगा लेंथ अपॉन में बीटा, लेंथ अपॉन में बीटा आ गया। नेक्स्ट सेकंड है, 1 सेकंड आ जाएगा टाइम अपॉन में गामा, ठीक है? तो टाइम और स्क्वायर भी है ध्यान रखना, तो टाइम स्क्वायर अपॉन में गामा स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है ये ऊपर ले जाओ, तो 5 अल्फा की पावर माइनस 1, बीटा की पावर माइनस 1, और गामा स्क्वायर तो आ ही जाएगा ऊपर की तरफ, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मास लेंथ और नीचे डिवाइड में टाइम स्क्वायर, ठीक है? ये नई सिस्टम है यूनिट का, तो ये हमारे पास इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आ चुकी है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है, 5 अल्फा की पावर माइनस 1, बीटा की पावर माइनस 1, गामा की पावर 2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, फोर्थ हो गया इसमें, ठीक है? काफी सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसरीज बैलेंस इज 2.3 केजी, टू गोल्ड पीसेज ऑफ मास 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज, ठीक है? एक संदूक का पंसारी की तुला द्वारा मापी द्रव्यमान इतना है, इसमें दो
जो सोने के टुकड़े जो हैं अलग अलग द्रव्यमान के वो जोड़े जाते हैं, तब संदूक का कुल द्रव्यमान कितना है, और जो ऑप्शन है वो केजी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना है और ऐड करना है अपन को। तो एडिशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको किस वे से देखा जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर हो तो कैसे देखा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है वहां तक जाते हैं, उसको उस तरीके से डील करते हैं। तो यहाँ पर केजी के अंदर ऑप्शन दे रखा है, तो देखो 2.3 केजी है। ठीक है, केजी के अंदर ये, इसमें 20.15 ग्राम आपने ऐड किया। अब अगर ग्राम ऐड करूं तो ऑब्वियसली ग्राम के अंदर ये कितना हो जाएगा, 0.0 और ये आ जाएगा 20, ठीक है, 15 केजी। ठीक है, नेक्स्ट जो पीस है वो उसका मास 20.17 ग्राम है, उसको भी अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.02017 केजी। ठीक है, तो ये भी केजी के अंदर आ गया। देखो अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 2.3 और ये 40 जो भी है इसको ऐड कर दोगे, लेकिन लिस्ट डेसिमल प्लेस की बात करें तो ये 3 तक जा रहा है केवल, है ना, डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक जा रहा है, तो अपन को 2.3 तक ही उठाना है इसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, 2.3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटीग्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट 2ax - x2। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको a^n साइन इनवर्स x/a-1। ठीक है, इसको आपको डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करना था, और बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है ये। देखो आप अगर इस पूरी क्वांटिटी देखो, देखो बेटा dx क्या है, ऑपरेटर है, dx मतलब चेंज इन x है, स्मॉल चेंज इन x है, तो इसकी यूनिट x वाली है। अब x क्या है, मास है कि लेंथ है कि क्या है, उस पे जाने की जरूरत नहीं, चलो लेंथ ले लो, x एज ए लेंथ है सपोज, तो ये लेंथ आ गया मतलब l1 आ गया, और नीचे देखो ये l स्क्वायर है। ठीक है, अब l स्क्वायर में से l स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब ये x है, ये भी l हो गया, और ऑब्वियसली फिर a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी l होना चाहिए, तभी तो l इंटू l l स्क्वायर होगा, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मतलब ये पूरा l स्क्वायर बनेगा, और ऊपर और अंडर रूट भी है तो अंडर रूट में l स्क्वायर हो तो फिर l आ जाएगा, और ऊपर भी l है, लेंथ है, तो l बाय l कट जाएगा, तो पूरा डायमेंशन लेस हो गया, बात समझ रहे हो, तो पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं x को अज्यूम कर लूं कि ये l है, तो फिर यहां से a डेफिनेटली l के बराबर ही आ रहा है, a का डायमेंशन फॉर्मूला l के बराबर, और पूरा होल जो क्वांटिटी है पूरा का पूरा वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब मतलब m0 l0 t0, यहां पर l है तो l की पावर 0 ही आना चाहिए, फिर सीधी सी बात है। अब यहां आओ, साइन इनवर्स में कुछ भी हो वो सारा डायमेंशनलेस होता है, उसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती, पूरा डायमेंशनलेस है, एंड इवन अंदर वाला जो पार्ट है वो भी डायमेंशनलेस होता है बेटा, तो ये पूरा डायमेंशनलेस है। अब मल्टीप्लाई में a^n है, इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में पूरी क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये पूरा पूरा एल की पावर 0 तो ये भी एल की पावर 0 होना चाहिए, और ए जो है वो एल है, तो एल की पावर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, तभी तो एल की पावर 0 मतलब डायमेंशनलेस होगा, हमसे एन की वैल्यू यहाँ पे पूछिए, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओपी एज शोन इन द फिगर, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। एक कार एक सीधी रेखा ओपी के अनुदिश चित्रानुसार गति करती है, ओ से पी तक 18 सेकंड में चलती है और वापस पी से क्यू तक वो 6 सेकंड में वापस आ जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आ रही है ये कार यूं जाके, तो यहां से यहां तक है ना ये 18 सेकंड का टाइम ले रही है और यहां से यहां तक ये 6 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, ओके, अब क्या पूछा है उसका जवाब देखते हैं अपन। चलो पूछा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड कम बैक टू क्यू इज 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ओ से पी एंड देन पी से क्यू तक आने में टोटल अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड जो है इसने 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो जो पार्टिकल यहां से जब यहां तक आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, जब ओ से पी तक जाएगा तो कितना चलेगा, 360 ओ से पी तक, फिर पी से क्यू तक जब वापस आएगा तो 360 में से 240 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर वैल्यू आ रही है 120, राइट, तो 360 तो ये वाला आ गया यहां तक, और 360 में से 240 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 वैल्यू आ रही है, मतलब ये डिस्टेंस 120 है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब दिस प्लस दिस ना, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 8, ये 480 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 18 प्लस 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 24, तो टोटल डिस्टेंस 480 और इसमें 24 को अगर हम डिवाइड करें तो एक्जैक्टली 20 मीटर पर सेकंड की इक्वल आ रही है वैल्यू, आ रही है ना। सो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पी एंड देन पी टू क्यू
इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड कम बैक टू क्यू इज 20 मीटर। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी का पूछा तो नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ओ से क्यू तक आया ना वापस फाइनली, भाई ओ से पी देन पी से क्यू, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हुआ ना। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 240 है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है सॉरी एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 और टाइम कितना लगा 24 सेकंड टोटल टाइम। तो कट करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 10। तो एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड कम बैक टू क्यू इज 10 मीटर। ना ये तो हमने चेक कर ही लिया, फर्स्ट ऑप्शन 20 आया था। और नेक्स्ट में एवरेज वेलोसिटी पूछी है कि 30 दे रखा है, 30 भी इनकरेक्ट है, 10 होता तो वो सही होता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन बाय एक्स इक्वल टू 9t² - t³, वेयर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। कण की स्थिति एक्स को एक्स अक्ष के अनुदेश समय टी के सापेक्ष, ये समीकरण आपको दे रखी है टी के साथ, द्वारा दिया जाता है, जहां एक्स मीटर में टी सेकंड में है। इस कण की स्थिति क्या होगी जब यह एक्स दिशा के अनुदेश अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है। तो आपको पोजिशन दे रखी है टी के साथ, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, वी इक्वल्स टू डीएक्स बाई डीटी, डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करें तो 9t² का कितना आएगा 18t माइनस t³ का 3t², तो ये वेलोसिटी आ गई। और इनिशियली वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको ये देखना है वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पे ना। तो टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो कोई भी क्वांटिटी किसी वेरिएबल पर डिपेंड करती है, और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वी की मैक्स वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी यहाँ पे टाइम पर डिपेंड कर रही है ना, तो डीवी बाई डीटी करना पड़ेगा आपको, वी को टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड देन फिर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करनी पड़ेगी। तो डीवी बाई डीटी करते हैं, चलो 18t का कितना आया 18 एंड 3t² का कितना आ जाएगा 60, और डिफरेंशिएट करके वैल्यू जीरो के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो 3 सेकंड पर वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम होगी, लेकिन हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी है यहाँ पर, हमसे पूछा है इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये जो टी की वैल्यू आई है ना, टी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो आप, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स इक्वल्स टू 9 3² - 3³ आ जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू देखो 3 - 9 81 - 3³ कितना आ जाएगा 27। तो x equals to 81 में से 27 subtract करोगे तो कितना आ जाएगा 54 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड टर्न आफ्टर स्टार्टिंग इज। हिंदी में देख लो, एक खुले धरातल पर एक मोटर चालक एक पथ का अनुसरण करता है जो प्रत्येक 500 मीटर बाद 60 डिग्री से उसके बाईं ओर घूमता है, तब प्रारंभ से शुरू होकर तीसरे घुमाव तक मोटर चालक का विस्थापन क्या है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि वो ए मीटर ट्रैवल करता है स्ट्रेट, है ना सीधा, और ए मीटर ट्रैवल करने के बाद वो 60 डिग्री एंगल लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है। देखो इस डायरेक्शन जा रहा था ये, और लेफ्ट साइड में ये 60 डिग्री एंगल रोटेट हो गया, एंड देन अगेन फिर वो ए डिस्टेंस चलता है, फिर वो ए डिस्टेंस चलने के बाद लेफ्ट साइड में 60 डिग्री एंगल पर टर्न होता है, वापस ए डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट टर्न, ये हो गया सेकंड टर्न, और ये हो गया थर्ड टर्न। आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग से थर्ड टर्न के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा ना, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट अगर आपको करना हो तो आप लॉन्ग वे से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्योमेट्री आती है, आपकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस क्वेश्चन को फटाक से पकड़ लोगे। कैसे, देखो रेगुलर हेक्सागन में एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी देखो तो 60 डिग्री एंगल है, एंड इवन जो साइड लेंथ है ना वो भी इक्वल है, देखो ये साइड लेंथ इक्वल है। और रेगुलर हेक्सागन में खास बात क्या होती है कि ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं ना सारे, वो सब के सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, मतलब ये लेंथ अगर ए है ना तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, और ये डिस्प्लेसमेंट ये सीधी वाली लेंथ है, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ए प्लस ए 2a। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, मतलब 2a पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे काफी ईजी है बेटा ये क्वेश्चन,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, और ए कितना है 500 मीटर है, तो ट्वाइस ऑफ 500 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2.12 मीटर, इट्स एरिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा है उपयुक्त सार्थकों के आधार पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई अपन को पता है 22/7, 22/7, और आर यहां पर 2.12 है, इसका होल स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना, हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इस नंबर के बेसिस पे देना है आपको। इसमें नंबर ऑफ एसएफ कितने हैं, 3 हैं, तो 3 SF तक ही रिजल्ट को लेके जाना है अपन को, केवल 3 SF तक, ठीक है। वैल्यू अगर आप देखें ऑप्शन के अंदर, आपको सॉल्व करने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है इतनी, क्योंकि अगर आप इनमें चारों ऑप्शंस में देखें तो 14.1 सब में आ रहा है ना। उसके अलावा देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 × 6 है, और इसमें कितने 5 है, और ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 4th है, ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम कैपिटल टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द टेंशन फोर्सेस। ऊर्जा ई, वेग वी, समय टी को मूल भूत मात्रक लिए जाएं तो तनाव बल का वी में सूत्र क्या है, टेंशन फोर्स मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में सेट करना है। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स है उसको मैं एफ ही लिख देता हूं, और एफ किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पर, ठीक है, वेलोसिटी पर, और टाइम पर, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इनकी पावर क्या है वो लेट कर लो, एक्स वाई जेड है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ और उसको सॉल्व कर लो। फोर्स सही है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, m1 l1 t-2 होता है ना। ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 होता है। पावर यहां पर कितनी आ गई, x। v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t-1, पावर हो गई y, और t का t रहता है, t की पावर z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल, देखो m1 l1 t-2, यहां पे देखो m की पावर x है, यहां पे m कहीं नहीं आ रहा, तो m की पावर x आ गया केवल, l की पावर 2x है, ठीक है, l की पावर 2x लिख दो, ये वाला, ये इसके साथ आ गया, L की पावर y है यहाँ पर, तो 2x + y आ गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है t, t की पावर यहाँ पे -2x, यहाँ पे t की पावर -y, ठीक है, यहाँ t की पावर z आ गया। तो सारी चीज़ें मैंने मेरे हिसाब से लिख ली हैं, t की पावर -2x, t की पावर -y, और t की पावर z। अब इसको कंपेयर कर लो आप, तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो इसको साइड में लिख देते हूँ मैं, x की वैल्यू 1। नेक्स्ट आप इस वाली इक्वेशन को ले लो, 2x + y जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, 2x + y जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और x की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 है, तो 2 × 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 में से सबट्रैक्ट करोगे तो -1, तो y की वैल्यू -1 आ गई, है ना। नेक्स्ट है t की पावर -2, और इस वाली की वैल्यू को -2 के इक्वल रखना आपको, तो रख देता हूँ, चलो -2x - y + z जो है वो -2 के इक्वल है। अब x की वैल्यू 1 है, 1 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 है, -1 रखोगे तो ये +1 हो गया, +z = -2, ओके, -2 आ गया ये यहाँ पर, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो z की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अगर आप रखो तो e की वैल्यू देखो 1 आएगी, ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, देखो e की वैल्यू 1, पावर 1 मतलब v की पावर जो है वो आ जाएगा अपने पास y, मतलब y की वैल्यू -1 है, और z की वैल्यू भी -1 है, तो t की पावर -1, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन आपको, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दे रखी सदिश के रूप में, तो पूछा है कि इनसे जो बनने वाला जो समानांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम अगर आपको फाइंड आउट करना है और दोनों साइड्स अगर आपको दे रखी हैं, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ए इक्वल्स टू, जैसे साइड जो है वो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर से अगर अपन रिप्रेजेंट करें, तो एरिया जो है सिंपली पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर निकाल लीजिए और उसका मॉडुलस ले लीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो पी वेक्टर मान लिया और वो वाला क्यू वेक्टर है, तो पी वेक्टर के लिए सबसे पहले देखो आई जे के लिख दिया डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर कोफिशिएंट जो इसके 1, 2, 3 हैं तो 1, 2, 3 लिख दिए, नेक्स्ट जो है 3 -2, 1 है तो 3 -2 एंड 1 लिख दिया,
अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा अपन को। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जी। तो आई कैप इसमें देखें तो 2 इंटू 1 2 एंड माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 एंड वो 6 8 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर माइनस का जे, इन दोनों को रिमूव कर दो, 1 इंटू 1 1 माइनस एंड 3 3 जा 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया प्लस के कैप, इस वाले को हटा दो तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2, राइट, माइनस 2 और ये माइनस 3 इंटू 2 6। तो ये देखो ये 8 आई कैप, ये आ जाएगा 1 माइनस 9 8, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस का 8 के कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ चुका है एरिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हो कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके रूट करते हैं अपन। तो 8 तो वैसे भी बाहर ले आओ, और फिर 1 आई कैप 1 जे कैप माइनस के कैप, इसका मॉडुलस ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 3। तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 रूट 3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, दो सदिश आपको दे रखे हैं और इनका परिणामी का जो सदिश है उसका इकाई सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो दोनों का परिणामी, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, दोनों को ऐड कर दो सिंपली। सब्ट्रैक्शन पूछा जाता तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देते, कुछ भी, ठीक है। तो एडिशन पूछा है तो सिंपली आप इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 4 आई कैप और माइनस आई कैप कितना आएगा, 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 जे कैप कितना आएगा, 6 जे कैप, 6 के कैप माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 आ जाएगा 14 के कैप, ठीक है। तो ये 14 के कैप हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों कर दिया, यहाँ पर ऐड करना था ना, तो 6 माइनस 8 मतलब माइनस का 2, माइनस का 2 के कैप, ठीक है। एडिशन करना था तो ऐड कर दो, 4 माइनस आई 1 3 हो जाएगा, 3 एंड 3 6 हो गया, 6 माइनस 8 मतलब माइनस का 2 के कैप। तो ये ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आ गया। अब इसका यूनिट वैक्टर अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आर वैक्टर है, तो यूनिट वैक्टर कैसे निकालोगे, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस। तो आर वेक्टर तो ये एज इट इज आ गया, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और डिवाइड में इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 36 40 प्लस 9 49 का अंडररूट कितना होता है 7। तो ये 1/7 आ गया, और ये जो क्वांटिटी है वो डिटो यहाँ आ जाएगी, ठीक है इसके अंदर। तो अब आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 3 आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप है और डिवाइड में 7 भी आएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय गामा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड देन डायमेंशन ऑफ बी आर सेम एज दैट ऑफ, मान लीजिए कि अपवर्तनांक म्यू निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए और बी नियतांक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तब बी की विमाएं निम्न में से किसके समान है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है उसकी कोई विमा नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो म्यू इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर डायमेंशनलेस है तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ए दिख रहा है ना ये भी डायमेंशनलेस ही होगा, और डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस ही ऐड हो सकता है, इसका मतलब बी बाय लैम्डा स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा। तो बी बाय लैम्डा स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 1, m0 l0 t0 पावर 0 तो वैल्यू 1। तो जो b की जो जो डायमेंशन है ना वो किसके इक्वल आनी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लेंथ है मतलब मीटर, ठीक है। तो l मतलब b की जो डायमेंशनल जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर। अब ये कह रहा है किसके इक्वल है ये l स्क्वायर, तो यहां पे सीधा नजर आ रहा है एरिया, क्योंकि एरिया का l स्क्वायर होता है और किसी का मैच नहीं कर रहा यहां पर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए वेक्टर आपको गिवन है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर AR, सदिश आपको दे रखा है, आपको दिक्कोजें बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है ना। कोस अल्फा कितना होता है, कोस अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस अल्फा रिप्रेजेंट करता है AX बाय A को, कोस बीटा AY बाय A को, कोस गामा AZ बाय A को। AX होता है कोफिशिएंट आई कैप का, AY J कैप का कोफिशिएंट और AZ K कैप का कोफिशिएंट है यहां पर। तो AX किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है देखो, और a है इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब a वेक्टर का मॉडुलस अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 20 प्लस 25 45 हो गया, तो इसका अंडर रूट भी करोगे इवन मॉडुलस निकालने के लिए, तो रूट 45 आ गया देखो। तो x एक्सिस वाली जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कोस अल्फा है, दैट इज 2 बाय रूट 45। y एक्सिस वाली जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो हो जाएगी कोस बीटा, दैट इज ए वाई बाय ए, ए वाई इज अ 4 एंड ए इज अ रूट 45,
and cos gamma is az by a, and here az is minus 5 by a is root 45. तो अब आप ये देख सकते हैं इसमें किसमें मैच कर रहा है, ये 2 4 माइनस 5 और डिवाइड में रूट 45 है, तो केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर, एटी कर्व आपको दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 0 इज 2 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड विल बी, तो सरल रेखा में गतिशील कण के लिए त्वरण समय ग्राफ आपको दे रखा है, टी बराबर 0 पर कण का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा, मतलब यहां पर वेग पूछा है। एटी कर्व एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी जो है ना वो इंटीग्रेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, जो भी इंटरवल दिया होता है यहां पे t1 से t2 तक, आप इसको इंटीग्रेट करो और डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा वी का मतलब t2 टाइम पे वेलोसिटी माइनस t1 टाइम पे वेलोसिटी, समझ में आई बात, ये डेल्टा वी है, और एरिया बोले तो सॉरी इंटीग्रेशन बोले तो एरिया अंडर द कर्व, किसका एरिया, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का जो कर्व है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एटी कर्व का एरिया और हमें कहां से कहां तक फाइंड करना है, 0 से लेके 2 तक का, तो 0 से लेके 2 तक का एरिया यही तो होगा, और ये एरिया बड़ा सिंपल है, 1/2 ट्रायंगल बन रहा है ना, 1/2 इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 4, तो एरिया कितना है यहाँ पर 4 आया ना, तो एरिया इज 4, और डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, टाइम इंटरवल देखो 0 से 2 पे हमें बात करनी है, तो डेल्टा वी एक्चुअल में देखा जाए तो v2 - v0 है, समझ में आई बात, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी माइनस 0 सेकंड में वेलोसिटी, और इसने ये कह रखा है कि 2 सेकंड में वेलोसिटी पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकंड है, सो हियर v0 इज अ 2, तो v2 जो है ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो v2 जो है वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पे, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इक्वल्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स of its motion, the stone remains in the air is, ये भी same सही question हो गया, एक पत्थर विराम से मुक्त रूप से गिरता है तथा गति के अंतिम सेकंड में इसके द्वारा चली गई कुल दूरी प्रथम 3 सेकंड में चली गई दूरी के तुल्य होती है, पत्थर कितने समय के लिए वायु में होगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि उसको जैसे आपने ड्रॉप किया तो नीचे जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो उसको n सेकंड का टाइम लगता है, और जब अगर n सेकंड का टाइम लगेगा तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, लास्ट सेकंड मैंने कह दिया कि n सेकंड में वो पार्टिकल नीचे पहुंच रहा है, तो उस nth सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का लेट्स से वो s है, तो s जो होगा वो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 के इक्वल होगा, यही फॉर्मूला लगाओगे, u तो 0 है क्योंकि आपने ड्रॉप किया है, a g के इक्वल है g बाई 2 2n माइनस 1 यही आएगा। अब ये कह रहा है जो ये s है ना, ये पार्टिकल को जब आपने ड्रॉप किया तो 3 सेकंड फर्स्ट जो 3 सेकंड्स हैं उनमें जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है वो उस डिस्टेंस के इक्वल है, और फर्स्ट 3 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाओगे, u अगेन 0 है प्लस हाफ a की वैल्यू g आ जाएगी, और t की वैल्यू क्या रखोगे 3 सेकंड के लिए, ठीक है, शुरुआत के जो 3 सेकंड में जो ट्रैवल करेगा, और ये जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है, तो बराबर कर दिया मैंने, अब g by 2 से g by 2 कैंसिल आउट हो गया, 2n minus 1 किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया, 9 plus 1 10 एंड 2n equals to 10 then n equals to कितना आ गया 5, तो टोटल जो टाइम लगेगा पार्टिकल को नीचे तक आने में वो 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, a वेक्टर आपको गिवन है, b वेक्टर भी गिवन है, c वेक्टर भी गिवन है, देखो वैल्यू ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो तीनों वैक्टर्स आपको दे रखा है और इनको इस वे से ऐड करना है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बेसिक सा क्वेश्चन, जो ये कह रहा है वैसे कर दो, तो a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये कर दिया, फिर b वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 6i कैप प्लस 12j कैप 3 से और माइनस का 9k कैप, फिर c वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना इन दोनों को तो ऐड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है, c वेक्टर एज इट इज रखना है अपन को, ठीक है, तो माइनस का 6i कैप, ये माइनस ही ऑलरेडी, और अच्छा सब्ट्रैक्ट करना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और उसमें ये माइनस का 3j कैप हो गया और वो माइनस का 4k कैप हो गया, है ना, अब इनको आप ऐड कर दीजिए सबको, तो ये 6 और 6 कितना आ जाएगा 18 i कैप, इसमें देखो तो ये 12 माइनस 2 तो ये 10 आ गया, 10 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 7 j
जे कैप। नेक्स्ट देखो ये कितना आ गया, 4 एंड 4 कट जाएगा तो माइनस का 9 के कैप, तो 18 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 9 के कैप इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द बॉल टेक्स 0.5 सेकंड टू फॉल पास द 3 मीटर लेंथ ऑफ ए विंडो सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द विंडो आर Vt एंड Vb रेस्पेक्टिवली देन। करेक्ट ऑप्शन बताना अपन को, ठीक है, जी की वैल्यू दे रखी है। गेंद को मीनार की छत से गिराया जाता है, यह गेंद मीनार की छत से कुछ दूरी पर स्थित 3 मीटर लंबी खिड़की को पार करने में 0.5 सेकंड लेती है, यदि खिड़की के ऊपरी और निचले सिरे पर गेंद के वेग क्रम से Vt तथा Vb हैं तब बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको गिवन है, तो आपने ड्रॉप कर दिया बॉल को, राइट, और ये विंडो है ना। अब जब बॉल ऊपर से आ रही है तो यहां पर जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ऊपर वाले पॉइंट को जब क्रॉस करेगी तो इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है यहां पर कितनी है, Vt है, और जब बॉल यहां पे पहुंचेगी ना नीचे वाले पॉइंट पर तो यहां पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो Vb हो जाती है, और अपन को इसकी हाइट भी दे रखी है विंडो की 3 मीटर, और इवन टाइम भी दे रखा है यहां से यहां तक वाला टाइम, दैट इज 0.5 सेकेंड। और अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, जी हमें डाउनवर्ड ले ही लेना है जिसकी वैल्यू 10 है। तो एक तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ, v बराबर u प्लस at, तो यहाँ u जो Vt हो गया और v जो है वो Vb हो गया और a जो है वो g हो गया और टाइम हो गया 0.5। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूँ, v बराबर u प्लस at, तो v हो जाएगा Vb, u हो जाएगा Vt प्लस a हो जाएगा g, g की वैल्यू 10 है और टाइम हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से हमारे पास Vb माइनस Vt की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, सिंपल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो लगा देते हैं, चलो v हो जाएगा Vb, तो Vb स्क्वायर इक्वल्स टू Vt स्क्वायर प्लस 2, a की जगह कितना रखना है g, मतलब 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पर 3 है ना, तो 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब आप सोल्व करें, देखो Vt स्क्वायर को इधर ले आओ, Vb स्क्वायर माइनस Vt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ जाएगा 6 एंड 10, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब ये देखो Vb स्क्वायर माइनस Vt स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है ये, तो Vb माइनस Vt और इनटू में Vb प्लस Vt लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये 60 आ गया, और Vb माइनस Vt जो है वो हमारे पास 5 है ना, तो Vb माइनस Vt की जगह मैंने 5 रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर 60 है तो 60 में 5 को डिवाइड करूँगा तो 12 आएगा, है ना, तो Vb प्लस Vt की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड जो भी है, क्योंकि वेलोसिटी है ना इस तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर क्लियरली पता लग रहा है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बेटा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आप और भी ऑप्शन जो है वो चेक कर सकते हो, Vb और Vt की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, Vb प्लस Vt 12 है और Vb माइनस Vt 5 है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो Vt से Vt कट जाएगा और 2Vb जो है वो आ जाएगा आपके पास 17। ठीक है, तो Vb की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17/2, ऐसे ही आप Vt की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो फिर Vb बाई Vt फाइंड आउट कर सकते हो कि रेशियो बना रहा है कि नहीं आ रहा, या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो वैल्यू बना रही नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड, द टाइम ऑफ टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर टू बी 20 सेकेंड्स, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी, एक घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है, इसके द्वारा एक पेंडुलम के 20 दोलनों का समय 20 सेकंड मापा जाता है, समय के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो जो परसेंटेज एरर है टाइम के लिए वो आप क्या लिखोगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ही तो लिखोगे, डेल्टा टी क्या है, एरर है टाइम के लिए, तो जिस वॉच को आप यूज कर रहे हो उसके उसका जो लीस्ट काउंट है 1/5 सेकेंड है, यही परमिसिबल एरर है, यही लीस्ट काउंट वाला एरर है, तो इसी एरर को आपको डेल्टा टी के अंदर पुट अप करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना है, 1/5 है, और जो टोटल टाइम आपने मेजर किया है 20 ऑसिलेशंस के लिए वो 20 सेकंड्स है। ठीक है, तो 20 सेकंड्स ऑसिलेशंस हो रहे हैं, चलो सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है, और आपने 20 ऑसिलेशंस ऑब्जर्व किए और 20 ऑसिलेशंस के अंदर आपने देखा कि जो टाइम लगा वो 20 सेकंड्स लगे, तो 20 सेकंड्स आपने लिख लिया, और जो जो वॉच आप यूज कर रहे हो उसका जो अनसर्टेनिटी है या जो लीस्ट काउंट है उसके अंदर वो कितना है, 1/5 सेकंड, तो डेल्टा टी यहां पर 1/5 रखोगे आप, और जो टी है वो यहां पर क्या रखोगे आप, 20 सेकंड्स, ठीक है, और इनटू में रख देना आप 100,
तो 1/5 × 20 ये कितना आ जाएगा 100, और इधर भी 100 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसके अंदर 20 ऑसिलेशंस के लिए 20 सेकंड्स है, तो फिर एक ऑसिलेशन का टाइम हो गया 1 सेकंड, वो 1 यहाँ पे रख देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं भाई, डेल्टा टी जो है, ये जो टी टाइम है, ये टी टाइम किसके अंदर टोटल टाइम का है ना, और जो डेल्टा टी है वो अनसर्टेनिटी टोटल टाइम के लिए, टोटल टाइम के लिए अनसर्टेनिटी कितनी है यहाँ पर 1/5 सेकंड है। ठीक है, तो इस वे से आप इसको डील किया करो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v वेक्टर v2 वेक्टर, देन करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना है। तो वेग सदिश दे रखे हैं इस तरीके से, लंबवत हैं एक दूसरे के, तो अपन को ये इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो बेटा एक बात बताइए, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर जो है वो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या करो, v1 का पहले v1 के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट, कितना आएगा v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर कितना होगा v1 स्क्वायर, i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1 होता है ना, a डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना होता है a स्क्वायर होता है, सिमिलरली v1 डॉट v1 क्या आएगा v1 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है v1 डॉट माइनस v2, तो ये कितना जाएगा माइनस का v1 डॉट v2, फिर चलो फिर v2 का v1 के साथ v2 डॉट v1, v2 डॉट v1, फिर v2 का v2 के साथ माइनस v2 स्क्वायर, और बराबर क्या कर देना जीरो। अच्छा v1 डॉट v2 मतलब v1 v2 cos थीटा, v2 डॉट v1 v2 v1 cos थीटा, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है, एक प्लस है एक माइनस से कट गया, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर मतलब v1 बराबर v2, इसका मतलब v1 और v2 का जो मॉडुलस है वो डेफिनेटली बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को करेक्ट, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। अच्छा इसमें हमको ये यूनिट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा, इसमें कुछ इधर फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं और उनकी यूनिट्स दे रखी हैं, उनमें से करेक्ट यूनिट अपन को बतानी कौन सा मैच कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस की। सी, क्यू बराबर सी वी होता है, तो सी बराबर आ जाएगा क्यू बाई वी। इसमें कूलाम आ रहा है ना, कूलाम भी यहाँ पर नजर आ रहा है अपन को, तो इसको क्यू को, अच्छा एम्पियर भी नजर आ रहा है, तो एम्पियर की टर्म्स में भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर जूल भी आ रहा है इवन, तो चलो देखते हैं कूलाम, ये तो क्यू तो चार्ज है तो मतलब कूलाम हो जाएगा, और जो वी है वी वोल्ट है, और वोल्ट को आप लिख सकते हो यू बाय क्यू, एनर्जी अपॉन में चार्ज, यू बाय क्यू रखोगे तो क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और क्यू मतलब कूलाम स्क्वायर, और यू मतलब जूल, जूल ऊपर जाएगा तो -1, तो ये मैच भी हो रहा है देखो यहां से, तो कूलाम स्क्वायर जूल इनवर्स, इसका मतलब कैपेसिटेंस का जो ए का जो है ना वो फोर्थ जो है पूरी तरह से इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें बी की, यहाँ पे देखो न्यूटन भी आ रहा है, वोल्ट भी आ रहा है, न्यूटन। अच्छा फोर्स जो होता है किसी करंट कैरिंग वायर पर I × B × L के इक्वल होता है, और यहाँ से B जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड B, तो B मतलब आ जाएगा F/IL, F होता है न्यूटन, I होता है एम्पियर, एम्पियर ऊपर जाएगा तो A इनवर्स, L जो है लेंथ है, तो लेंथ भी ऊपर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, L इनवर्स मतलब मीटर इनवर्स, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये देखो थर्ड भी मैच हो रहा है, तो B का थर्ड पूरी तरह से मैच कर रहा है यहाँ पर, कर रहा है ना, तो A का फोर्थ आ रहा है यहाँ पर, B का थर्ड आ रहा है, तो इसमें क्लियरली विजिबल है कि भी सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है। और देखना चाहो और भी देख सकते हो आप, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आप इजीली देख सकते हो, V बराबर I × R होता है, तो R बराबर V/I होता है, V मतलब वोल्ट अपॉन में I करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर जो भी है, तो ये R के लिए फर्स्ट हो जाएगा देखो, तो D के लिए फर्स्ट आ रहा है देखो, और C के लिए फिर ये सेकंड आ ही जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको फॉर्मूलाज पता तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच सिग्नल कैन बी सीन टू क्लियरली इन फॉगी कंडीशंस, ए रेलवेज इंजीनियर uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity s of the light from the signal and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1/n. The value of n is.
हिंदी में देख लो, कोहरे में दूरी डी जिस तक संकेत द्वारा देखा जा सके को मापने के लिए एक रेलवे इंजीनियर विमीय विश्लेषण का उपयोग करता है तथा यह मानता है कि दूरी कोहरे के द्रव्यमान घनत्व रो, संकेत से प्रकाश की तीव्रता एस तथा इसकी आवृत्ति एफ पर निर्भर करता है। इंजीनियर ज्ञात करता है कि दूरी डी एस की घात एक बटा एन के समानुपाती है, तब एन का मान क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस पर। तो जो डिस्टेंस है ना, जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, जो डिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो देखो। एक तो मास डेंसिटी रो पर, ठीक है। अब पावर क्या पता नहीं, एक्स अज्यूम कर लो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एस पर, पावर जो है वो वाई अज्यूम कर लो। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है वो है फ्रीक्वेंसी एफ, एफ की पावर जेड अज्यूम कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले ये लिखो, फिर जो डिस्टेंस है डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस ये डी, तो इसका मतलब यहाँ पर एम जीरो है, एल जीरो है, सॉरी एम जीरो है, एल वन है, डी जीरो है ना, डिस्टेंस है ना डी, इसलिए तो ये लिख दिया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डेंसिटी है रो, रो जो है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास के लिए लिखते हैं अपन एम वन, वॉल्यूम के लिए एल की पावर माइनस थ्री आ जाएगा ऊपर, और पावर यहाँ पर कितना आ गया एक्स। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन में एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम अपॉन में एरिया, और एनर्जी का होता है एम वन एल टू डी माइनस टू, ये तो एनर्जी का हो गया। एनर्जी में आपको एरिया डिवाइड करना मतलब एल स्क्वायर, और टाइम से भी डिवाइड करना मतलब टी। टाइम से भी डिवाइड कर दिया, एरिया से भी डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इंटेंसिटी आ गई। और पावर क्या है वाई। अब आ रहा है नंबर फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी मतलब वन अपॉन टी, मतलब टी की पावर माइनस वन, तो टी की पावर माइनस वन, और यहाँ पर पावर क्या आ गई जेड आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को, ये एल स्क्वायर तो कट गया इससे, है ना, तो थोड़ा चलो सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एम जीरो एल वन टी जीरो आ गया। सबसे पहले एम को अलग कर लेते हैं, चलो एम की पावर यहाँ पर एक्स आ रहा है, एक्स लिख दो। यहाँ पर देखो एम की पावर वाई आ रहा है ना, तो एक्स के साथ वाई भी अटैच कर दो, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एम है नहीं तो चलो छोड़ो। एल को लो, एल की पावर यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल प्रेजेंट ही नहीं है तो एल की पावर जीरो आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ पर भी एल प्रेजेंट नहीं है मतलब एल की पावर माइनस थ्री एक्स ही बचा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, वाई भी है तो टी की पावर माइनस थ्री वाई आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो टी की पावर माइनस जेड हो जाएगा तो माइनस जेड आ गया यहाँ पर। तो ये अब आपको इनमें कंपेरिजन करना है। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखो माइनस का थ्री एक्स जो है वन के इक्वल है, तो माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय थ्री, वो भी माइनस का, तो एक्स बराबर माइनस का वन बाय थ्री है। ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो फिर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना वन बाय थ्री। हमसे इसने पूछा है द इंजीनियर फाइंड्स दैट डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर वन बाय एन, और देखो ये एस की पावर क्या है वाई है ना, वाई को देखना है हमें केवल, और वाई जो वन बाई थ्री आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एस की पावर कितना आएगा वन बाई थ्री, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है एस की पावर वन बाय एन और एन की वैल्यू पूछी है, तो एन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है। द वर्नियर कैलिपर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32, द वर्नियर स्केल ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिविजन्स विच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिविजन्स, इफ ईच मेन स्केल डिविजन इज 0.5 मिलीमीटर देन द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज। गतिक सूक्ष्मदर्शी में वर्नियर पैमाने के 50 विभाग मुख्य पैमाने के 49 विभागों से संपाती है। यदि मुख्य पैमाने से संपाती है, यदि मुख्य पैमाने का प्रत्येक विभाग 0.5 mm हो तब सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक क्या होगा। वर्नियर कैलिपर्स पे भेज दिए, ठीक है। देखो मेन स्केल डिवीजन जो है 1 msd वो आपको 0.5 mm गिवन है, ठीक है, और 49 जो MSD है वो 50 VSD के बराबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। वर्नियर स्केल जो है ना उसके 50 डिवीजन जो है 49 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर ये हिंट दे रखा है 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 49 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, इसका मतलब 1 VSD किसके इक्वल आएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 49 by 50 into 0.5 mm, ये 1 VSD आ गया।
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना लीस्ट काउंट से रिलेटेड वर्नियर कैलिपर्स के लिए, तो आप एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी होता है, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सबट्रैक्ट करना है बस आप उसको। तो इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 0.5 mm से ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट करोगे तो 0.5 mm कॉमन आ गया और 1 माइनस 49 बाय 50 बचा, तो 50 माइनस 49 मतलब 1 बाय 50 बचा, वैल्यू कितनी आ गई 0.5 अपॉन में 50 mm, ये इसका लीस्ट काउंट है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 0.1 अपॉन में 0 मतलब 0.01 mm, ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है, असत्य कथन का चुनाव करना है अपन को। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, विस्थापन अक्षों के मूल बिंदु के चुनाव पर निर्भर नहीं करता है। यस ऑब्वियसली, कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप अगर ओरिजिन यहां पे ले रहे हो, ये यहां पे ले रहे हो, ये यहां पे ले लो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, तो वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, विस्थापन तय की दूरी के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, डेफिनेटली सही है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधा जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, पलट गया या किसी और डायरेक्शन चेंज हो गया तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। थर्ड कह रहा है, व्हेन ए पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, ये तो इनकरेक्ट ही है, पार्टिकल अगर घूम फिर के वहीं उसी पॉइंट पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो होगा, ये कह रहा है नॉट जीरो, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट ही अपन को देखना था, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ए बॉय वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 50 मिनट, ये आप हिंदी में इसको रीड कर सकते हो। तो जब वो अपने घर से, ये उसका घर था, ठीक है, यहाँ मार्केट तक गया है ना, जाते समय उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आर है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आर है, और जो डिस्टेंस है मार्केट की वो 2.5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब जाते समय उसको टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूँ तो टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2.5, स्पीड है 5, तो 2.5 बाय 5 करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5 बाय 5 मतलब 1/2 आर, 1/2 आर मतलब मिनट्स में करें तो कितना आएगा 30 मिनट्स, तो जाते समय इसको टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट्स लग रहे हैं, और जब वापस आएगा ये इंस्टेंटली वापस आ रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है 7.5 किलोमीटर पर आ रहा है और डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, तो जब वापस आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना चलेगा 2.5 और स्पीड कितना है 7.5, तो अगेन अगर आप इसको कट करोगे तो 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आवर्स, और मिनट में करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 20 मिनट्स, तो जाते समय तो 30 मिनट्स, आते समय 20 मिनट्स, टोटल टाइम कितना लगा 50 मिनट्स, और ये यही कह रहा है कि टी बराबर 0 से टी बराबर 50 मिनट के लिए बताइए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वगैरह क्या होगी, तो इसका मतलब जाके वापस आने में 50 मिनट्स लगा, तो इसका मतलब पार्टिकल वापस, जो बॉय है ना, वापस अपने घर तक आ गया, है ना, उसी के लिए टाइम दे रखा है अपन को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा 2.5 प्लस 2.5, है ना, गया वापस आए तो टोटल 2.5 का ट्वाइस हो जाएगा ना, 5 किलोमीटर्स हो गया टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा इसको, जाते समय कितना टाइम लगा 1/2 आवर्स, किलोमीटर पर आवर के अंदर आंसर दे रखा है, तो 1/2 आवर्स, और आते समय 1/3 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना लगा 1/2 प्लस 1/3, है ना, इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो 5 अपॉन में यहाँ पे 5 बाई 6 आ गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो, 6 ऊपर चला जाएगा आ जाएगा, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आर, सो एवरेज स्पीड ऑफ बॉय इज 6 किलोमीटर पर आर, बट एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो पार्टिकल या बॉय जो वापस अपने उसी पोजिशन पर आ चुका है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अब 0 है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज 0 हो जाएगी, सो एवरेज वेलोसिटी इज 0 एंड एवरेज स्पीड इज 6, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड,
इसका ऑर्डर ध्यान रखना, पहले 6 फिर 0, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, आपको v और t के लिए इक्वेशन दे रखी है, dv / dt की इक्वेशन दे रखी है v के टर्म्स में, ठीक है। v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड, t इज द टाइम इन सेकंड, द बॉडी इज एट रेस्ट इक्वल्स टू 0, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, द स्पीड वेरीज विद टाइम एज, हिंदी में आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन से स्पीड पूछी है, v की वैल्यू पूछी है, राइट। देखो मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, dv by dt की वैल्यू 6 माइनस 3 भी दे रखा आपको, ठीक है, और v की वैल्यू निकालनी है किसी टाइम t पर, तो आप क्या करेंगे, dv के डिवाइड में ये वाली क्वांटिटी ले आओ बेटा, 6 माइनस 3 इधर ले जाओ dt, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट, t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इस तरफ v है, t बराबर t पर वेलोसिटी मैंने v कंसीडर कर ली, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी मैथमेटिक्स इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जानबूझ करके ताकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप सीखें। तो dv अपॉन में 6 माइनस 3v है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये लॉग की टर्म्स में आ जाएगा, लॉग 6 माइनस 3v, जैसे dx बाय x होता है ना वैसे ही, तो dv बाय 3 माइनस 3 6 माइनस 3v है, ये एज x है तो log x आ गया, और फिर जो अंदर का जो कॉफिशियंट है ना 6 माइनस 3v, तो v का जो कॉफिशियंट है माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा लेकिन इसमें डिवाइड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए आप 0 से v, इधर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, तो केवल t बचेगा, ये माइनस का 3 जो है वो इस तरफ ले आओ, इसमें लिमिट लगा दो आप, तो लॉग अपर लिमिट रखोगे तो 6 माइनस 3v माइनस लोअर लिमिट v की वैल्यू 0 रखोगे तो लॉग 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस का 3t आ गया। अब ये log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m by n होता है, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 माइनस 3v अपॉन में 6, और यहाँ जाएगा माइनस का 3t, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें आपको एंटी log लेना आना चाहिए, log को हटाना है आपको, ठीक है, तो ये log के बेस में कौन है, e है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप एज इट इज रख दो इस तरफ, और ये e की पावर में ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, e की पावर माइनस 3t, फिर आप क्या करेंगे 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 3v इज इक्वल टू 6 ई टू द पावर माइनस 3t, ठीक है, और 3 से कट कर दो, 3 कट हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर v इधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ तो 2 कॉमन आ जाएगा उसके अंदर, 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3t इज इक्वल टू v, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई या स्पीड की वैल्यू आ गई, ठीक है, किसी टाइम t पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है जी सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज ए वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज व्हेन इट क्लियर्ड ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर, दिस टू आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन v इक्वल्स टू अंडर रूट 49 प्लस x, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी, हिंदी में आप इसको रीड कर सकते हो। तो आपको v और x में रिलेशन दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, जब भी v और x में कोई रिलेशन दे रखा हो तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, v a इक्वल्स टू dv बाय dt होता है, उसमें चेन रूल लगा करके आप लिख सकते हो v इनटू dv बाय dx, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है ये, ठीक है। तो v को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, dv बाय dx से, तो v तो हमें दे ही रखा है 1 मीटर पर सेकंड पे, तो v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड रख देंगे लेकिन dv बाय dx की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो v की इक्वेशन अंडर रूट में 49 प्लस x है, तो dv बाय dx कितना आएगा, बराबर अंडर रूट में 49 प्लस x, उसको एज एक्स मान लो, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब रूट 49 प्लस एक्स, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 49 का तो 0 और एक्स का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये वैल्यू आएगी। अब ये रूट 49 प्लस एक्स जो है वो एग्जैक्टली वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वी बाई टू, सॉरी 1 अपॉन 2 वी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वी के बराबर है ना, तो 1 अपॉन 2 वी लिख दिया इसको मैंने। अब वहां पर मैं ये रिलेशन लग दूंगा तो ए देखो ए बराबर आ जाएगा v इनटू में dv / dx की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 v, v से v कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, a की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1/2 0.5, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37, ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकंड्स टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप।
एक वस्तु चिकने नत तल के ऊपरी सतह से विरामावस्था से फिसलकर निचले तल तक 4 सेकंड में 4 सेकंड में पहुंचती है, ऊपरी सिरे से विरामावस्था से प्रारंभ होकर प्रथम एक चौथाई दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने रिलीज किया तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है और इस तरफ एक्सेलेरेशन अपन जानते हैं जी साइन थीटा होता है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो। और ये जो डिस्टेंस है टोटल मान लीजिए ये एल है और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसके लिए भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो एस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, एस हो जाएगा ये एल, यू जीरो है प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी साइन थीटा और टी कितना देर का अपन को 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये कह रहा है कि इस लेंथ का 1/4 मतलब एल बाय 4 मतलब यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, लेट कर लो टी टाइम लग रहा है तो एल की जगह क्या लिख दोगे एल बाय 4 और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है जीरो, एक्सेलेरेशन वही है जी साइन थीटा तो 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर है ना। अब इनको इक्वेट कर दो, बराबर कर दो या एल की वैल्यू यहां रख दो, तो एल की वैल्यू रखोगे तो जी साइन थीटा टी 16/2 है ना, ये रख दो यहां पर तो 1/4 इंटू जी साइन थीटा इंटू 16/2 है ना, जी साइन थीटा 16/2 ये मैंने एल की वैल्यू रख दी बराबर 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो जी साइन थीटा बाई टू, जी साइन थीटा बाई टू कट गया यहाँ से, 4 से 16 4 बचा, टी स्क्वायर बराबर 4 तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड आ गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर मूविंग एट लीस्ट 6 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, हिंदी में आप इसको रीड कर सकते हो। तो जैसे एक कार है, ठीक है, इस कार के पास स्पीड मान लीजिए यू है, ब्रेक्स लगाए और सेम रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन अपोजिट हो जाएगा और ये कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है कार, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जीरो और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो एस है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, यहां पर वी तो जीरो है तो वी स्क्वायर मतलब जीरो बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन a अपोजिट है नेगेटिव है ना तो माइनस का 2a और s डिस्प्लेसमेंट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है s है, तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई यू स्क्वायर बाय 2a। a तो रिटार्डेशन है जो कि कांस्टेंट है दोनों कंडीशन के लिए, इनिशियल स्पीड अगर डिफरेंट भी कर दी तो भी a सेम रहना है, इसका मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, राइट। तो s अगर u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो पहले जब v 50 था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 मीटर था, अब u आपने 100 कर दिया, डबल कर दिया ना, तो अगर अगर आपने u डबल किया है तो डेफिनेटली s जो है 4 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि 2u करने का मतलब है 2u का होल स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, तो पहले कितनी थी 6 मीटर थी, तो अब 6 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 24 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर इन ए वर्टिकल लाइन सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ए बॉल एट पी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ डिसेंट थ्रू पी क्यू एंड क्यू आर इज। तो देखो पी क्यू आर ये 3 पॉइंट्स है और ये कह रहा है ये डिस्टेंस जो बराबर है, ये एल है तो ये भी एल है, मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, इसमें और इसमें जो टाइम लगेगा मान लीजिए इसमें टाइम t1 लगता है बॉल को और इसमें टाइम लगा t2, तो t1 और t2 का रेशियो जो वो पूछा आपसे, ठीक है, ग्रेविटी वर्क करेगी यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से यहाँ के लिए स्टडी कर लीजिए, इक्वेशन लगाओगे सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, यू तो यहाँ पे जीरो है और s कितना l है, तो l इक्वल टू हाफ यू जीरो हो गया ना, हाफ जी इंटू t1 स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट के लिए क्या करो, आप स्टार्टिंग से यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2l ना, तो s की जगह 2l, u यहाँ पे जीरो जाएगा अगेन, स्टार्टिंग से लिया ना मैंने हाफ g, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना वो t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं अपन, l की वैल्यू जो हाफ जी टी वन स्क्वायर है यहाँ रख दें, तो 2 इंटू में जी बाई टू टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, सिंपल g/2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट कर दें बोथ साइड, तो √t1 √2 t1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा t1 प्लस t2, t1 को इधर ले जाओ तो √2 − 1 t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है, तो √2 − 1 t1 इज इक्वल टू t2, हमसे पूछा t1/t2, तो t1/t2 राइट, पी क्यू और क्यू आर मतलब t1/t2 पूछा, t1/t2 कितना आ जाएगा, इस वाले पार्ट को डिवाइड में ले जाओ 1/√2 − 1,
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन 6 न्यूटन अंडर रूट 72 न्यूटन एक्ट एट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, ये क्यूब है आपको जो शो कर रखा है, अलोंग थ्री साइड्स एज शोन इन द फिगर, रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज, हिंदी में भी इसी टाइप का दे रखा है, तीन फोर्स दे रखे हैं आपको, आपसे पूछा है कि जो रिजल्टेंट है इन तीनों का वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट देख लेते हैं, देखो ये रूट 72 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, सेम दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 6 और 6 का रिजल्टेंट डेफिनेटली इधर की तरफ आएगा, ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया है ये इन दोनों 6 और 6 का बनाया है, और ये दोनों जो 6 न्यूटन के जो फोर्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअल में मतलब देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, मतलब 45 डिग्री एंगल पे होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, और 6 और 6 का रिजल्टेंट जब दो फोर्स परपेंडिकुलर तो कितना होगा, F1² + F2² का अंडर रूट, मतलब 6² + 6² का अंडर रूट, मतलब 36 + 36 मतलब रूट 72, तो ये जो फोर्स है ना रूट 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला अब एक और बचा है रूट 72, अच्छा रूट 72 रूट 72 इनकी भी बात करें तो ये भी दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रूट 72 का स्क्वायर प्लस रूट 72 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 72 प्लस 72 का अंडर रूट, 72 और 72 देखा जाए तो 2 × 4 ये भी 14, अंडर रूट 144 कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन आंसर है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है अलोंग ओपी, ये 18 गलत हो गए, 18 गलत हो गए, ये भी 12 न्यूटन लेकिन अलोंग ओई, तो ओ से ई की डायरेक्शन में होगा या ओ से पी की डायरेक्शन में होगा, ओ से पी देखो जरा कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पर रैंडमली, जी और ई लाइन को मिलाने वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब एक चीज देखना आप, ये प्लेन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस प्लेन को ही देखना आप, इस तरफ तो रूट 72 है और इस लाइन के लॉन्ग जो 6 और 6 का जो रिजल्टेंट आया था वो भी रूट 72 आया था, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर पे होगा, 45 डिग्री एंगल पे होगा, होगा ना। और ये है क्यूब, क्यूब के लिए बात करें ये लेंथ जो भी होगी सेम लेंथ ये वाली होगी, लेकिन ये जो है ये लेंथ अलग होगी ना, ये अगर ए अज्यूम करूं, ये ए अज्यूम करूं तो ये रूट 2 ए होगी, तो ये जो बनेगा ये क्यूब के अंदर रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ये जो साइड है ये जो प्लेन है ना ये क्यूब के अंदर ऐसा बन रहा है कुछ, ये रूट 2 ए, अगर मैं ये ए अज्यूम करूं तो ये वाली ए अज्यूम करूं तो, और ये भी ए है तो ये ए आएगा, और ये वाला ये रूट 2 ए आ जाएगा, क्योंकि ये ए और ये ए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट 2 ए, तो रूट 2 ए, तो ये रेक्टेंगल बना, तो जो रिजल्टेंट है ना वो कुछ इस तरफ आएगा, देखो 45 डिग्री एंगल पर, ये इस तरफ नहीं जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मतलब इस लाइन को, इन दोनों जी और ई को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है ना, इस लाइन के कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा अपन को, तो ई तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, नेक्स्ट देखो 41, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप इज, तो एक वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग अगर आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, हिंदी में भी आप इसको रीड कर लीजिए, घटक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और एंगल थीटा है, और आपसे कोई कहे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, तो कितना आएगा, ए कॉस थीटा, तो हमें ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कॉस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आया, ए बी कॉस थीटा, तो हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है, सो ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन में बी, सो ए डॉट बी अपॉन बी इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, राइट, तो ये कंपोनेंट आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ए वेक्टर का अगर इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3i का i के साथ 3 हो जाएगा, 3j का माइनस j के साथ भी माइनस 3 हो जाएगा, 3 - 3 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है भाई, इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 आ गई तो पूरा ही 0 हो जाएगा फिर, तो इसका मतलब कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी, इफ बी वेक्टर इज रिवर्स्ड देन द रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट पी है, ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर पी है तो डेफिनेटली पी जो है वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, इसका मतलब पी स्क्वायर किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट है कि अगर बी की डायरेक्शन को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब वो माइनस का बी वेक्टर हो गया,
अब जब माइनस का बी वैक्टर होगा तो अब उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मॉडुलस। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस पूछा है, सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस क्या है, क्यू है, तो क्यू स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। और हमसे ये कह रखा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताओ, मतलब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो पता ही ये दोनों कट जाएंगे, तो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टू टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड माइनस बी कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यस, देन फाइंड मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। यहां पे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो, हिंदी में भी पढ़ लो। तो दो इकाई सदिश है, ए कैप एंड माइनस बी कैप, तो ए कैप आपको गिवन है और माइनस बी कैप भी गिवन है और इनके बीच में एंगल थीटा गिवन है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, ए कैप माइनस बी कैप, एक्चुअल में इसका मॉडुलस, एक्चुअल में ये ए कैप प्लस ऑफ माइनस बी कैप है। देखो मतलब ये ए कैप और माइनस बी कैप का रिजल्टेंट है, क्योंकि आपको माइनस बी कैप दे रखा है यहां पे ऑलरेडी, सही है। तो ए कैप और माइनस बी कैप का जो रिजल्टेंट है वो ए कैप माइनस बी कैप ही है और उसी का ही मॉडुलस पूछा है। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा आपसे, और रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 इनटू 1 इनटू में कॉस, बताइए एंगल कितना है ए कैप एंड माइनस बी कैप के बीच में, थीटा है तो कॉस थीटा। तो देखो ये कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कितना आया, 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा को बेटा आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे हाफ एंगल में दिया हुआ है, 1 प्लस cos थीटा जो है वो 2 cos square थीटा by 2 के इक्वल होता है, 2 cos square थीटा by 2, तो 2 into 2 4 cos square थीटा by 2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 cos थीटा by 2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज बीन शोन इन द फिगर, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, तो एक्स एक्सिस के अनुदिश गति कर रहे कण की स्थिति समय ग्राफ चित्र में दर्शाया हुआ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला हमें सेलेक्ट करना है। तो एक्सटी कर्व का जो स्लोप होता है ना वो वेलोसिटी को शो करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते चलो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, कह रहा है टी बराबर जीरो पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो थी, कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप एक्सटी कर्व को देखो तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, बना रही है ना, इसका मतलब स्लोप जीरो तो नहीं है, और स्लोप अगर जीरो नहीं है तो वेलोसिटी जीरो किसी भी हालत में नहीं होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली इसका ऑप्शन हो गया, पहला तो इसके अकॉर्डिंग सही हो गया क्योंकि तो इनकरेक्ट आ रही है। सेकेंड भी देख लेते चलो, पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन द इंटरवल टी इक्वल्स टू जीरो टू टी वन एंड एक्सेलरेटिंग इन द इंटरवल टी इक्वल्स टू टी वन टू टी टू। देखो बेटा अगर आप इसका स्लोप देखें तो यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरफ है, यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरफ है, यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरफ है, देखो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, हो रही है ना, मतलब वेलोसिटी का मॉडुलस भी देखा जाए तो मॉडुलस अगर डिक्रीज हो रहा है ना, आप ये माइंड में रखा करो हमेशा कि वेलोसिटी का मॉडुलस मतलब स्पीड, मॉडुलस स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है ना दैट मीन्स पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन मोशन है, रिटार्डिंग है, ठीक है। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है ना दैट मीन्स एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्लोप है कुछ, फिर स्लोप यहाँ पे जीरो होगी ना वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डिंग है। और T1 से T2 की बात करें तो देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सेलेटिंग है, तो T1 से T2 एक्सेलेटिंग है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। थर्ड देखो, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन हैज चेंज्ड वंस ड्यूरिंग द इंटरवल T इक्वल्स टू 0 T इक्वल्स टू 3 T3, तो कह रहा है एक्सेलेरेशन डायरेक्शन चेंज हो रही है 0 से T3 में एक बार, कैसा है चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पे स्लोप जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी इस तरफ थी, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई यहां पर, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब पक्का पक्का एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा तभी तो वेलोसिटी इस तरफ थी, तो इस वेलोसिटी को इसने जीरो कर दिया, तो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक देखा जाए तो इस तरफ है। टी वन से टी टू की बात करें तो वेलोसिटी का स्लोप जो है मतलब एक्स टी का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इसी तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब अभी भी एक्सेलरेशन इसी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप पॉजिटिव भी है। T1 से T2 से T3 की तरफ जाएं
यहां पे देखना, यहां से अब देखो स्लोप डिक्रीज होने लग गया, तो यहां पे वेलोसिटी किस तरफ थी, इस तरफ थी, इस पॉइंट पे टी टू पी बात करें तो वेलोसिटी इस तरफ थी, ये वेलोसिटी का है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और यहां वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहां पे रिटार्डिंग मोशन हो गई, तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया, पक्का टी थ्री की तरफ जाए तो टी टू से टी थ्री में एक्सेलरेशन डेफिनेटली इस तरफ है, तो जीरो से टी टू में एक्सेलरेशन इस तरफ है और टी टू से टी थ्री एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, तो यहां पर ये समझ में आ रहा है अपन को कि पक्का एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज हुई है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, नन ऑफ दिस तो कोई मैटर नहीं करता, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0 व्हेन एन एक्सेलरेशन इज अप्लाइड टू इट, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स शोन द फिगर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 10 मीटर इज, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, तो x बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, a और x के बीच में ग्राफ है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा, अच्छा a और x के बीच में अगर पार्टिकल का रिलेशन दे रखा है तो उससे वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, देखो a बराबर v dv by dx होता है, v dv by dt, dv by dt भी होता है, लेकिन x की टर्म्स में अगर आप लिखो तो v dv by dx लिख सकते हो आप, ठीक है, v dv by dx, अब dx को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये a dx हो गया और इधर आ गया v dv, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये जो इंटीग्रेशन आया a का x के रेस्पेक्ट में, ये तो हो गया एरिया, क्योंकि a और x के बीच में ग्राफ दे रखा है अपन को, और इधर हो गया v dv, v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v square by 2 होता है, अपर लिमिट मान लीजिए v है और लोअर लिमिट जो x बराबर 0 पे है, x बराबर 0 पे इसने वेलोसिटी कितनी दे रखी है, पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो इंटीग्रेशन a dx मतलब ये एरिया आ गया कंप्लीट 0 से 10 मीटर के लिए, तो ये तो एरिया रख देंगे, और इधर आ जाएगा v dv मतलब v square by 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0 तो केवल v square by 2 बचेगा, तो v square by 2 को बेटा एग्जैक्टली में एरिया के इक्वल करना है, तो एरिया आप फाइंड आउट करो, देखो एरिया कितना आएगा, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है बन गया, इसका कितना आएगा एरिया 8 × 8 मतलब 64 प्लस ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, देखो 1/2 × बेस कितना है 2 * हाइट कितनी है 8, तो इससे कट गया 8 प्लस 64 कितना आ गया 72 है ना, ये 72 आ गया हमारे पास, तो ये एरिया 72 आ गया, 72 यहां रख दीजिए, 72 × 2 मतलब 144 और 144 बराबर v स्क्वायर, तो v बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड है ना, काफी प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 46 पे, ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इज, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, तो एक कण जो है वो गति कर रहा है और आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है किस इंटरवल में, जब पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा हो या उसकी मोशन रिटार्डिंग हो, ठीक है, यहां से यहां तक देखो अगर आप, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यहां पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब इस पार्ट को कंसीडर नहीं करना है हमें, केवल और केवल इस पार्ट को कंसीडर करना है, और इस पार्ट का एरिया निकाल लो, एरिया मतलब कंप्लीट एरिया बेटा, वीटी कर्व का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, अब ये वाला एरिया अगर देखो आप तो इसमें देखो एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वीटी कर्व का जो एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, तो वीटी कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 × बेस के देखो 40 − 20 कितना आएगा 20 ये गैप, और हाइट यहां से यहां तक कितनी आएगी 4 − 1 = 3 इसे कट करो तो वैल्यू आ गई 30 मीटर, तो ये वाला एरिया जो है वो 30 आ गया, नीचे वाला भी कैलकुलेट कर लो, ये वाला रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 40 − 20 मतलब 20 और ये 1, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 20 मीटर, तो 20 और 30 टोटल एरिया कितना आ गया 50 मीटर, देन करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60° विद द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड 60° विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इट्स कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ विल बी, एक कण पर 5 न्यूटन का बल ऊर्ध्वाधर से 60° के कोण पर तथा पूर्व से 60° के कोण पर कार्यरत है, बल का उत्तर दिशा में घटक क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, देखो बेटा इस क्वेश्चन को ये 3D के अंदर है, ये जैसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है अपवर्ड डायरेक्शन, इसको जेड मान लेता हूं मैं, ये ईस्ट डायरेक्शन मान लेता हूं, तो ये नॉर्थ हो जाएगी, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वर्टिकल अपवर्ड, और जो फोर्स दे रखा है ना अपन को
फोर्स कुछ इस तरफ है, 5 न्यूटन है ना, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन से भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है पता नहीं है, गामा मान लो, और 5 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो 5 कोस गामा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल कितना है, गामा है अगर, तो 5 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन से जो एंगल है वो डेफिनेटली 5 कोस गामा हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, 5 कोस गामा फाइंड करना है। अब ये 60 अल्फा, जैसे अल्फा बीटा गामा एंगल्स अगर आपके पास हैं वेक्टर के तीनों एक्सिस से, तो हमें मालूम है कि कोस केयर अल्फा प्लस कोस केयर बीटा प्लस कोस केयर गामा की वैल्यू 1 होती है ना, बहुत फेमस रिजल्ट है ये। तो कोस केयर अल्फा, ठीक है, कोस केयर अल्फा, अल्फा कितना है 60 है, प्लस कोस केयर बीटा, बीटा भी 60 है, प्लस कोस केयर गामा इज इक्वल टू 1। कोस 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 एंड 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देन 1 - 1/2 कितना आया 1/2, राइट, तो कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/2 आ गई यहां पर, समझ रहे हो बात को, तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/2, तो कोस गामा की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो ये कोस गामा की वैल्यू 1/√2 यहां रख दीजिए इसके अंदर, तो 5/√2 अपने पास कंपोनेंट आ जाएगा इस 5 न्यूटन का नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ कार बी। बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन A1 एंड A2 रेस्पेक्टिवली, देन वी इज इक्वल्स टू। एक कार रेस में कार ए एंड कार बी की तुलना में अंतिम रेखा को पार करने में टी समय कम लेती है तथा कार बी की तुलना में वी चाल अधिक से अंतिम रेखा को पार करती है। ये दोनों कार नियत त्वरण A1 था A2 से विरामावस्था से गति प्रारंभ करती हैं, तो वी का मान क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना है कौन सा सही है। तो दोनों कार 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, तो कार ए की बात करें, कार ए है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यहां तक पहुंचती है ये कार ए। कार बी 0 वेलोसिटी चलती है, सेम फिनिशिंग लाइन है दोनों के लिए, कार रेस है तो ऑब्वियसली सेम फिनिशिंग लाइन होगी, और कार बी जो है वो मान लेते हैं बेटा यहां पर वीबी स्पीड से पहुंचती है, और इसको टाइम जो लगता है वो टी भी लगता है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का एस है, और जो कार ए है, तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो जो कार ए है ना वो जब यहां पे पहुंचती है तो कार ए की जो वेलोसिटी है ना इससे वी ज्यादा होती है, मतलब वीबी प्लस वी है इसके पास स्पीड, और इसको टाइम जो है ना इससे कम लगता है टी, मतलब टी बी माइनस टी टाइम लगता है इसको, डिस्प्लेसमेंट ये भी एस ही कवर कर रहा है। तो इसके बेसिस पर जो इक्वेशंस बन सकती हैं वो इक्वेशन मैं लिखता हूं यहां पर। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा के देखें, यू तो 0 है ना, वी बराबर यू प्लस एटी लगा दूं, तो कार ए के लिए लगाता हूं सबसे पहले, वी बराबर यू प्लस एटी, वी तो इसके लिए वी बी प्लस वी, वी है तो वी बी प्लस वी इज इक्वल टू वहां पे 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कार ए का ए वन है, ठीक है, कार ए का ए वन है, और टाइम कितना लगा इसके लिए, टी बी माइनस टी, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार बी के लिए, कार बी के लिए बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इसकी वीबी हो गई और इनिशियल 0 थी और एक्सेलरेशन का ए टू है और टाइम लग गया इसको टीबी। तो एक तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आप वीबी को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। चलिए देखते हैं, पहले दो इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर मैं लगाता हूं थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2s लगाऊं तो वीबी प्लस वी का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, यू उसका 0 था, 2a1 इंटू एस एक्सेलेशन है और डिस्प्लेसमेंट एस है। कार बी के लिए बात करें तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a2s, यू तो 0 ही था दोनों का, दोनों को डिवाइड कर दें अगर इन दोनों इक्वेशन को, s हट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, और अनरूट कर देंगे तो यहाँ पे देखो वी बी प्लस वी आ गया और यहाँ पर वी बी आ गया, और इस तरफ 2 और s कट जाएगा और यहाँ पे रूट ए वन, ये रूट ए टू, सही है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, देखो वी बी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर अपन तो वी बी इंटू रूट ए टू है ना प्लस वी इंटू रूट ए टू इज इक्वल टू वी बी इंटू रूट ए वन आ गया। यहां से आपके पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वी बी इज इक्वल टू वी अंडर रूट ए टू अपॉन में अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए वन, नहीं अंडर रूट, अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू,
ये VB की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो VB जब आ चुका है तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने सॉल्व कर ही लिया ना यहाँ पे, इन दोनों में क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन में मैं T को रिमूव कर देता हूँ, T को हटा देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है ना, इसमें ए वन टी को मैं इधर ले आता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी VB प्लस V, यहाँ पे ए वन टी भी बच गया और ए वन माइनस का टी जो है वो इस तरफ ले आऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए वन टी और इस तरफ आ जाएगा ए वन टी बी, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, चलो इसमें इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो वी बी प्लस वी प्लस ए वन टी अपॉन में ये आ जाएगा वी बी, सही है, वी बी को डिवाइड कर दिया, मतलब इस वाले में इसको डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर देखा जाए तो ए वन बाय ए टू आ गया, करेक्ट। तो ये इक्वेशन बन चुकी है, और इसको फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो वी बी इंटू में ए टू, फिर v इंटू में ए टू प्लस ए वन ए टू टी, फिर आ जाएगा ए वन इंटू वी बी, और वी बी ए टू को मैं उस तरफ ले जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v ए टू प्लस ए वन ए टू टी इज इक्वल टू वी बी ब्रैकेट में ए वन माइनस ए टू, करेक्ट, ये वैल्यू आ चुकी है। अब जो वी बी है ना, वी बी की वैल्यू ये जो आई हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू रख सकते हो v अंडर रूट ए टू अपॉन अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, और इस तरफ ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए वन माइनस रूट ऑफ ए टू और इन टू में रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए टू, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ से ये वाला पार्ट कट गया और ये वाला पार्ट इसकी मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो वी ए टू प्लस ए वन ए टू टी इज इक्वल टू, यहाँ वी अंडर रूट ए टू है ना, वी अंडर रूट ए टू को ए वन रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी अंडर रूट में ए वन ए टू और अंडर रूट ए टू से अंडर रूट ए टू फ्री हो जाएगा, तो वी ए टू आ गया, वी ए टू से वी ए टू देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ए वन ए टू टी इक्वल टू वी अंडर रूट ए वन ए टू आ गया, तो अंडर रूट ए वन ए टू से अंडर रूट ए वन ए टू यहाँ से कट जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, अंडर रूट ए वन ए टू इंटू में टी, डी साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ हो जाएगा, है ना। काफी प्यारा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आप कर सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, कॉन्सेप्चुअल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एज शोन द फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 60 न्यूटन, द वेट डब्ल्यू एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ओ इन द न्यूटन आर। तो हिंदी में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि डब्ल्यू का मान कितना और टेंशन की वैल्यू कितनी है इस धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन टी लेट कर लो, तो T इस तरफ लग गया, ये 60 न्यूटन है इस तरफ, तो हमें पता है ये बैलेंस्ड है, ठीक है, वेक्टर मेथड से आप डील कर सकते हो इसको, T का ये वाला कंपोनेंट T cos 60, T cos 60 आपको पता है कितना आएगा, cos 30, तो T cos 30 मतलब T root 3 by 2, और इस तरफ कितना जाएगा, T sin 30 मतलब T by 2, ये इसको बैलेंस कर देगा, T by 2 60 के बराबर आ जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 120 न्यूटन, और T root 3 by 2 W के बराबर आ जाएगा, और T की वैल्यू कितनी, 120 यहाँ पे रख दो, तो 120 बाई 2 मतलब कितना जाएगा, 60 root 3 बराबर W, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 60 root 3, और टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन वैल्यू ऑफ A इज, काफी सिंपल क्वेश्चन है, दो लंबवत सदिश हैं, बताइए A का मान कितना होगा, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था बेटा, इस क्वेश्चन को करना था, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट भी करोगे आप, तो a डॉट भी कर दीजिए, तो ये 2i कैप 5j कैप 5i कैप, तो 5 इन 2 कितना आ जाएगा 10, 7j कैप 2j कैप का कितना आ जाएगा 14, और -3 एंड -a तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, और बराबर कर दो 0, तो ये 24 इधर चला जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 3 है, देन a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 51, An athlete move on a circular track with constant speed v, then what will be the magnitude of average velocity when it complete half a round of circular track? ठीक है, तो एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल v से गति करता है, और आपसे पूछा है कि जब ये अर्धवृत्त पूर्ण कर लेगा तो उस समय उसका औसत वेग क्या होगा? Average velocity की definition क्या होती है? Average velocity होता है total displacement upon total time. तो particle ये घूम करके जब half circle complete करेगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा ये। तो अगर मैं रेडियस अगर r अज्यूम करूं, तो पार्टिकल जब यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा ना,
तो वी एवरेज, अगर एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2R आ गया, और डिवाइड में मुझे टोटल टाइम रखना है, और पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, वी से। तो स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 2R नहीं चलेगा, पाई आर चलेगा, सर्कमफ्रेंस का हाफ, तो डिस्टेंस आ जाएगा पाई आर, और टाइम यहाँ से यहाँ तक जो लगा वो टी लग गया सपोज, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई, पाई आर बाई वी। तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2R अपॉन टोटल टाइम टी, टी तो लगा यहाँ से यहाँ तक, तो टी से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो 2R बाय टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई आर बाई वी, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई 2V बाय पाई। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस फंक्शन ऑफ द टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड विल बी इन मीटर पर सेकंड। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हो, आपको 2 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग पूछा है, स्थिति समय ग्राफ दे रखा है। आपको पता है स्थिति समय ग्राफ पोजिशन टाइम कर्व अगर आपको गिवन हो तो उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है, और 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे स्लोप अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, देखो 2 सेकंड यहाँ पे है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर पॉइंट ये बनेगा, देखो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे टेंजेंट यही वाली बनेगी, बनेगी ना, तो टेंजेंट जो स्लोप है मतलब टेन थीटा जो है वही वेलोसिटी को बताएगा। तो यहाँ से टेन थीटा निकालना बड़ा आसान है, ये सिंपल ट्रायंगल बन गया, देखो यहाँ से ट्रायंगल में देखो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 50, बेस कितना 2.5, देन वेलोसिटी जो आएगी 2 सेकंड पे है ना, 2 सेकंड पे कितनी आएगी, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और टेन थीटा यहाँ पे कितना आया 50 बाय 2.5, ये ले जाओ ऊपर, ये कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्ट वर्ड्स विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वर्ड्स, द एवरेज एक्सेलरेशन दिस टाइम। हिंदी में आप इसको रीड कर सकते हो, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन दे रखी, ईस्ट डायरेक्शन एक्स मान लेता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में वाई मान लेता हूं, ठीक है, यूनिट वेक्टर इस तरफ आई कैप, इस तरफ जे कैप। तो आप ये देखो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वेक्टर वो 5 थी, डायरेक्शन ईस्ट, ईस्ट बोले तो आई कैप, और 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो अगेन 5 है लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नेट टाइम, टी नेट जो भी लगा। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा, 10 रख दीजिए यहाँ पे, 5 कॉमन आ जाएगा कट जाएगा 10 से, तो 1/2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आया माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यही तो आया, ये वेक्टर फॉर्म में एक्सेलेशन आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एवरेज एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया 1/2, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आई कैप और जे कैप का कोफिशिएंट 1:1 है ना यहाँ पर, -1 और 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, 1+1 2 का अंडर रूट मतलब √2 आएगा ना, √2 नीचे 2 है तो 1/√2, तो मैग्नीट्यूड 1/√2 आएगा, और 1/√2 इसमें दो ऑप्शन में दे रखा है, इवन यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखी है, तो डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इस रिलेशन को देखना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्शन बता सकते हो, तो डायरेक्शन बहुत इजीली बता सकते हो, देखो ये यहाँ पर माइनस आई कैप आ रहा है और यहाँ पे जे कैप आ रहा है, माइनस आई कैप मतलब किस तरफ इस तरफ, और जे कैप मतलब किस तरफ इस तरफ, ठीक है, देखो इस तरफ तो आई कैप, इस तरफ माइनस आई कैप, इस तरफ जे कैप, इस तरफ माइनस जे कैप है, तो यहाँ पे वेक्टर में क्या आ रहा है माइनस आई कैप माइनस प्लस जे कैप, माइनस आई कैप मतलब इस तरफ और जे कैप मतलब इस तरफ, तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है ना ये वाला वेक्टर पक्का इस तरफ होगा, और ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगी और ये नॉर्थ है, तो डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, नॉर्थ वेस्ट के लोंग आ रही है, आ रही है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी दे रखी आपको टाइम के साथ, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का टी बराबर 1 से 4 सेकंड के लिए, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, सेम क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो उसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन से, ठीक है, ऐसा आपको कैसे कैलकुलेट करना है वी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, कहां से कहां तक 1 से 4 के लिए, बस बेटा वैल्यू रख दो और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो वी की वैल्यू √T/2 था और dt है इधर इस तरफ और ये 1 से 4 है, इंटीग्रेट कीजिए आप 1/2 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, √T का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन √T का टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है भाई, टी की पावर 1/2 है ना, तो पावर 1/2+1 अपॉन में 1/2+1, एक्स की पावर n+1 अपॉन एक्स अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो उसे 2 कट गया,
अब ये टी की पावर 3/2/3 आ गया, अब इसमें लिमिट भी लगानी हमें, तो लिमिट अपन लगाते हैं, देखो 1/3 तो कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, टी की पावर 3/2 तो अपर लिमिट 4 रखोगे यहाँ पर, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या 1 है, 1 की पावर 3/2, अब 1/3 इंटू 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचाना है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे क्या आया 1 की पावर 3/2, 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 × 2 × 2 मतलब 8 माइनस 1 हो गया 7, 7/3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, 7/3 यूनिट्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर एंड n प्लस 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n माइनस 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर ऑफ द कैलिपर्स इज, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, मुख्य स्केल का पैमाना जो है वो एक खाना x सेंटीमीटर के इक्वल, मतलब 1 msd जो है वो आपको दे रखा है x सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स फाइंड करने का सबसे सिंपल सा तरीका है 1 msd माइनस 1 vsd, खत्म। तो 1 msd तो आपको दे रखा है, हमें 1 vsd भी कैलकुलेट करना है यहां पर, ठीक है। 1 vsd कैसे कैलकुलेट करें, तो आगे इसने हिंट क्या दे रखा है, देखो n प्लस 1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब n प्लस 1 vsd जो है वो किसके इक्वल है, n माइनस 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब n माइनस 1 msd के बराबर है, और msd 1 msd किसके इक्वल है, x सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो n माइनस 1 * x सेंटीमीटर, तो यहां से 1 vsd की वैल्यू कितनी आ गई, 1 vsd आ गया n माइनस 1 x अपॉन में n प्लस 1, है ना, ये आपके पास 1 vsd आ गया। तो 1 msd आपके पास है, 1 vsd आपके पास है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे आप, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 msd माइनस 1 vsd, तो इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट करना है आपको, इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आया 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लो, x ऊपर कितना आया n प्लस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना है 1 प्लस 1 2, 2x अपॉन में n प्लस 1, 2x अपॉन में n प्लस 1 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while measuring the acceleration due to gravity by simple pendulum, student makes a positive error of 1% in the length of the pendulum and a negative error of 3% in the value of the time period. His percentage error in the measurement of g by relation g equals to 4 pi square l by t square. इन्हें में आप इसको रीड कर सकते हो बेटा, त्रुटियां आपको दे रखी हैं, आपको g में percentage error find out करना है, तो g में percentage error find करने के लिए delta g by g into 100, 4 pi square constant है, वो remove कर देंगे, ऊपर l आ रहा है, तो delta l by l into 100, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो पावर नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव लेते हैं, पावर 2 आ गया जाएगी, 2 डेल्टा टी बाय टी इनटू 100। अब ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना उसमें परसेंटेज एरर कितना है, 1% है, तो 1% रख दो, और टाइम पीरियड जो है नेगेटिव एरर 3% वैल्यू, हाँ टाइम पीरियड में जो एरर है वो नेगेटिव एरर 3%, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है अपन को, मैक्सिमम एरर हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू में ये नेगेटिव वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस में रखना है क्योंकि एरर जो होगा उस वो प्लस माइनस में होगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 ही रखना है इसको, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7, तो एरर कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया थर्ड। 57 में आइए, आपको पोजिशन टाइम ग्राफ दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, पार्टिकल का पोजिशन टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा है स्पीड टाइम ग्राफ क्या है पार्टिकल का, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं पूछा, स्पीड टाइम ग्राफ, चाल समय वक्र पूछा है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ जो भी दिया हो अपन को, तो उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है, तो अगर आप देखो तो ओ से पी तक अगर आप बात करें तो स्लोप देखो कॉन्स्टेंट है, तो ओ से पी तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी और कॉन्स्टेंट भी है, और वेलोसिटी का जो मॉड्यूलस होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, मतलब v वेलोसिटी अगर आपके पास है ना उसका मॉड लोगे ना तो वो स्पीड को बताएगा, तो यहाँ तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो स्पीड भी ऑब्वियसली वही रहेगी, तो o से p तक वेलोसिटी और पॉजिटिव जो स्पीड है उसका ग्राफ सेम रहेगा और वो वैल्यू आएगी कांस्टेंट। आप देखो कांस्टेंट किस में है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों में है, तो इसमें 0 से 5 सेकंड तक के लिए, 0 से 5 सेकंड तक के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट है, सही है। p से q तक x कांस्टेंट हो गया और xt कर्व का जो स्लोप होता है वेलोसिटी को बताता है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी ना, वेलोसिटी जीरो तो स्पीड भी जीरो, तो यहाँ पे स्पीड भी जीरो होनी चाहिए, तो देखो इन दोनों में जीरो जा रही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। p
पी से एस तक आए तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट से साफ नजर आ रहा है कि स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव बेटा, थीटा क्योंकि ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी तो नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी का मॉडुलस जो होता है वो स्पीड होती है, तो स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी, इसमें ग्राफ पॉजिटिव में जाना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव में जा रहा है ना, इसका मतलब ये वेलोसिटी का कर्व है और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये स्पीड का कर्व है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x = 0 एट टाइम t = 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज v इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है x की पावर 1/3, ये क्यूब रूट है बेटा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, डिस्प्लेसमेंट पूछा है टाइम के साथ, तो यहाँ पर जो v दे रखा है ना आपको वह एक्चुअल में किसके इक्वल है, x की पावर 1/3 के इक्वल है और आपसे x की वैल्यू पूछी इन टर्म्स ऑफ t, v को आप लिख सकते हो dx by dt, dx by dt, dt को इधर ले जाओ और ये जो x की पावर 1/3 डिवाइड में ले आओ और इधर आगे dt, अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, t बराबर 0 पर x बराबर कितना है 0 है, ये दे रखा है इसने, और t बराबर t पर x की वैल्यू में x कंसीडर कर लेता हूं, अब x की पावर 1/3 इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1/3 आ जाएगा, अब x की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x की पावर -1/3 + 1 मतलब 2/3 और नीचे भी 2/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट x है तो x रख दोगे x आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 रखोगे x की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, मतलब यही वैल्यू बचेगी फिर, बराबर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 तो केवल t आया, आ गया ना। यहां से देखो अगर मैं मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पावर x की वैल्यू x की पावर 2/3 है, तो अगर मैं पावर 3/2 कर दूं बोथ साइड तो x की पावर 3/2 कर दूं बोथ साइड तो x की पावर तो 1 हो जाएगा और प्रोपोर्शनल में यहां पर t की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ना, तो x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, t की पावर 3/2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया यहां पर, करेक्ट। 59th पे आइए, ए पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम ए बलून विच इज गोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकंड विल बी, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, तो बलून मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकंड से, जैसे ही आप किसी पैकेट को रिलीज करोगे तो इतना तो कंफर्म है पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो कि बैलून की वेलोसिटी, मतलब बैलून के पास पैकेट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड ही रहनी है, और जैसे ही पैकेट को रिलीज कर दोगे फिर उसकी जो मोशन होगी वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो एक्जैक्टली -g के इक्वल होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे पूछा है 2 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी क्या पूछी, वेलोसिटी पूछी है, तो v की वैल्यू पूछी है भाई, v इक्वल्स टू u प्लस at, टाइम आपको दे ही रखा है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, u की वैल्यू 12, a की वैल्यू माइनस का 9.8 और t की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, इसको रख दो आप, तो 12 माइनस ये 9.8 का 2 टाइम्स कितना आएगा 16, ये 19.6 आ गया, 19.6 माइनस क्या और 12 इसमें सबट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस का 7.6 मीटर पर सेकंड, तो नेगेटिव में 7.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इज क्विक सक्सेशन इन सच ए वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट मैक्सिमम हाइट, इफ द मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट इज, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो बॉल्स थ्रो कर रहे हैं अपन ऊपर की तरफ, ये कह रहा है कि जब नेक्स्ट बॉल को जब आप थ्रो करते हो तो उससे जो पहले वाली जो बॉल होती है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है, मतलब तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, ये मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि पर मिनट, 1 मिनट के अंदर आप कितनी जो बॉल्स हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों बॉल्स के बीच में कितना टाइम लगा, मतलब कितने टाइम के बाद में इन बॉल्स को थ्रो कर रहे हो आप, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में अगर टी टाइम लगता है और हाइट अगर एच है तो टी की वैल्यू आप शायद जानते होंगे, टी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h/g आप लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो, बाकी इक्वेशन मोशन लगा के तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट में 2h, h की वैल्यू कितनी है 5 है और g की वैल्यू 10 दे रखी है अपन को, तो 10/10 मतलब कितना आ गया 1, तो t की वैल्यू 1 सेकंड आ गई, मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच का जो टाइम गैप है 1 सेकंड है, एक एक सेकंड बाद में आप इसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है, और 1 मिनट में कितनी थ्रो करोगे सोचो, तो एक एक सेकंड का गैप है तो 1 मिनट में 60 बॉल्स हुई ना, एक एक सेकंड में आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो टोटल 1 मिनट में कितनी बॉल्स थ्रो करोगे बेटा, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 60, ठीक है, तो ये था जी आपका डीसीएम का फर्स्ट पेपर, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, और आज के पेपर में थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे जिनमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा था।
ओके, तो वो आपका बेस अच्छे करने के लिए क्वेश्चंस वो दिए गए थे, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पेपर का वैसे कोई आइडिया नहीं है, नीट का पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस यही बनेंगे कि भाई पेपर जो है वो ईजी बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी खुद को उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।